ये जो आपकी क्लास है ये है भारत में लोक प्रशासन की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि हमें केवल भारत की बात करनी है, चाहे वो प्रधानमंत्री का प्रश्न हो चाहे राष्ट्रपति का प्रश्न हो, हम केवल भारत की बात करेंगे। और जब भी मंत्रिपरिषद या ऐसे शब्द आएंगे तो हम राज्य प्रशासन की बात नहीं करेंगे, हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात करेंगे। भारत में लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ है और उसके बाद उसमें किस प्रकार की कार्यपालिका है और सचिवालय मंत्रालयों की क्या कार्य प्रणाली है, इन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। जिला प्रशासन के बारे में, लोक उपक्रमों के बारे में और वित्त प्रशासन और कार्मिक प्रशासन। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारे सिलेबस का पहला टॉपिक है भारतीय प्रशासन का विकास। तो प्राचीन काल में भारतीय प्रशासन किस प्रकार का था, उसके बाद गौरी काल में किस प्रकार था, मुगल काल में और फिर ब्रिटिश काल में। प्राचीन काल इसको हम ये कह सकते हैं कि 360 BC से पहले का, 360 BC से लेकर 260, ये ऑलमोस्ट सभी किताबों में लगभग यही दिया हुआ है काल। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है इसमें, 360 से 260 BC। मुगल काल हो गया 1527 से 1857 और फिर 1857 से 1947 का ये ब्रिटिश काल। और उसके बाद जो वर्तमान भारतीय प्रशासन है उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं उसकी। और एक वर्तमान प्रशासन के बाद भी अगर हम बात करें तो आधुनिक युग, और आधुनिक युग में हमारा प्रशासन किस प्रकार की विशेषताएं धारण किए हुए, इन सबको हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैदिक काल में भारतीय प्रशासन किस प्रकार का था। उस समय राजा का चयन समिति द्वारा होता था, यानी राजतंत्र था। और समिति क्या होती थी, नागरिकों की एक सभा होती थी, नागरिकों की भागीदारी से बनी हुई एक संस्था होती थी। वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया और राजा जैसे जैसे काम बढ़ा, राजा की मदद हेतु मुख्यमंत्री टाइप यानी महामात्य, महामात्य या महाअमात्य या प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने लगी। फिर उसके बाद हम आते हैं महाकाव्य काल में। महाकाव्य काल में राजतंत्र के साथ साथ गणतंत्र का भी प्रचलन देखने को मिलता है। जैसे जैसे काम बढ़ा उस समय विभाग सभा मंत्री परिषद का कॉन्सेप्ट भी बढ़ा और बहुत सारे गांवों के समूहों को, बहुत सारे गांव और उनके समूहों को काम बांटे जाने लगे, अर्थात प्रशासनिक विकेंद्रीकरण भी हमें देखने को मिलता है महाकाव्य काल में। उस समय कर्मचारियों की जो भर्ती की जाती थी वो योग्यता आधारित भर्ती थी, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि राजतंत्र जब प्रचलन में होगा तो उस समय राजा की इच्छा का भी महत्व होगा, इसलिए कभी कभी राजा की इच्छा से भी कर्मचारियों की भर्ती होती थी। महाकाव्य काल के बाद देखते हैं एक इम्पोर्टेंट काल जिसके दर्शन हमें अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में होते हैं, जो कि कौटिल्य द्वारा रचित है। उस समय मौर्य कालीन भारतीय प्रशासन में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा देखने को मिलती है हमें। उस समय राज्य के जितने भी अंग थे उनको सप्तांग सिद्धांत के माध्यम से बताया गया और उन अंगों में बेहतर समन्वय का उदाहरण देखने को मिलता है। उस समय की विदेश नीति बड़ी ही प्रासंगिक थी, जिसमें षडगुण्य नीति और मंडल सिद्धांत को हम देख पाते हैं। कार्मिक प्रशासन सुव्यवस्थित प्रकार का था और कर्मचारियों को तीन प्रकार में बांटा गया था, तत्पुरुष, युक्त और उपयुक्त। प्रशासनिक व्यवस्था उसमें विभागों को काम बांट रखे थे और बड़ी ही कार्य कुशल व्यवस्था मानी जाती है उस समय की। संचार समन्वय की समुचित व्यवस्था थी और स्पाई सिस्टम था, जो कि हम मॉडर्न एज में भी देखते हैं। रूल ऑफ लॉ था, यानी कानून का शासन था, सभी के लिए कानून का प्रचलन एक समान था। मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था थी और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण भी हमें मौर्यकालीन भारतीय प्रशासन में देखने को मिलता है। उसके पश्चात आता है मुगल काल। तो मुगल काल जैसा कि हम जानते हैं बड़ा ही कठोर माना जाता है। उस समय राजतंत्र था, लेकिन कौन से प्रकार का, वंशानुगत राजतंत्र। उस समय की संचार और परिवहन व्यवस्था बहुत ही अच्छी मानी जाती है। भू राजस्व की एक अलग से स्टाइल डेवलप की इन्होंने, और जो जनता से टैक्स कलेक्शन का काम था
उसके लिए एक भू राजस्व की अलग ही प्रकार की प्रणाली विकसित की गई। धार्मिक कल्पना का प्रभाव उस समय ज्यादा था और सारे के सारे जो डिसीजंस लिए जाते थे वो बड़ी कठोरता के साथ लिए जाते थे और सारी शक्तियां सम्राट में निहित थी। विषय विशेषज्ञों को महत्व दिया जाता था। सुसंगठित कार्मिक प्रशासन पाया जाता है। सैन्य प्रशासन की भांति उस समय का प्रशासन हमें देखने को मिलता है और आधुनिक युग के समान ही फाइलों को बड़े आराम से रखा जाता था और एक निश्चित रिकॉर्ड रखा जाता था जिसकी तुलना हम जो वर्तमान में डॉक्यूमेंटेशन होता है ऑफिसेज में उससे कर सकते हैं। डिग्री को बड़ा ही महत्व था और उसका आधार उन्होंने शिक्षा रखा था। प्रमाण पत्र की व्यवस्था रखी थी और नियुक्ति स्थानांतरण एवं पदोन्नति सम्राट द्वारा की जाती थी। ये मुगल कालीन प्रशासन की विशेषताएं हैं। तो जब भी हम प्राचीन काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल तक आते हैं तो उस समय हमें एक चीज देखने को मिलती है कि भारतीय प्रशासन एक जो कठोर रूप था उससे जो वर्तमान आधुनिक स्वरूप है प्रशासन का उसमें हम चेंज होते हैं। तो इस चेंज के साथ साथ जैसे ही 1947 आएगा तो हमने कुछ विशेषताएं ऐसी थी जो हमने ब्रिटिश प्रशासन में देखी थी लेकिन बाद में हम आज तक उसको अपनाए हुए हैं। ऐसी विशेषताओं को, ऐसे प्रशासनिक चरित्र को हम ब्रिटिश विरासत के रूप में मानते हैं। तो एक डायरार्की जो हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट उसमें हम पढ़ते हैं 1919 के भारत शासन अधिनियम में द्वैध शासन या डायरार्की, दोहरा शासन। तो एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसको दो प्रकार में बांट दिया गया हो। उस समय जब 1919 का भारत शासन अधिनियम लागू किया गया तो उसमें दो प्रकार के विषय रखे गए। विषय यानी जितने भी काम थे उन कामों को दो प्रकार में बांट दिया गया। एक थे आरक्षित विषय, दूसरे थे हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय वे विषय थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जरूरी थे, सबसे ज्यादा जरूरी, इंपॉर्टेंट थे। उनका जो प्रशासन था वो गवर्नर करता था परिषद सहित, यानी ये मूल रूप से ब्रिटिशर्स ने गवर्नर के हाथ में दे रखा था क्योंकि आरक्षित विषयों में पुलिस, जेल, संचार व्यवस्थाएं, ऐसी व्यवस्थाएं आती थी। और जो जिम्मेदारी का काम था जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ऐसे विषयों को हस्तांतरित विषयों में रखा गया। ऐसे विषयों का प्रशासन भारतीय मंत्रियों के हाथ में दिया गया। तो दो प्रकार के विषयों में बांट देना, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, इसको हम बोल सकते हैं द्वैध शासन या दोहरे शासन की प्रणाली। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत इसको प्रांतों में लागू किया गया और केंद्र में 1935 में इसको लागू किया गया था और उस समय प्रांतों में द्वैध शासन हटा लिया गया था लेकिन केंद्र में केवल लागू किया गया था, सही रूप से लागू हो नहीं पाया। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में लागू हुआ और केंद्र में 1935 में। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन, कम्युनल बेस पर हिंदू मुसलमान करके एक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक कहे जाते हैं लॉर्ड मिंटो, जो उस समय भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे और 1909 के भारत शासन अधिनियम में इन्होंने ये प्रावधान किया था। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि तीन भारत शासन अधिनियम हमें देखने को मिलते हैं, एक 1909 का, एक 1919 का और एक 1935 का। तीनों ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला है भारतीय शासन अधिनियम 1909, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं थी। 1909 को मार्ले मिंटो कहा जाता है, जो पहला नाम है यानी जॉन मार्ले, ये राज्य सचिव होंगे और जो दूसरा नाम है ये वाइस रॉय होंगे। तो राज्य सचिव थे मार्ले, जॉन मार्ले, और वाइस रॉय थे लॉर्ड मिंटो। तो इन इन दोनों के नाम से इसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। यह 1910 11 में लागू हुआ और गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर लागू हुआ। इसमें दो ही इंपॉर्टेंट चीज है
कि केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि की गई तथा एक सेपरेट और सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का गठन किया गया। ये सबसे पहले लॉर्ड मिंटो ने प्रणाली आरंभ की थी, इसलिए मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, जो बाद में जाकर हिंदू मुस्लिम बहुल जो एरियाज में चुनाव हुए उसके जनक थे लॉर्ड मिंटो। तो ये 1909 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता है। फिर 1919 में इन शासन अधिनियमों का मूल उद्देश्य ये था कि इनके माध्यम से अंग्रेज लोग यानी ब्रिटिशर्स ये कहते थे कि भारत में हम जनता को और उत्तरदायित्व दे रहे हैं, यानी उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर रहे हैं हम। इसका उद्देश्य यही था, भारत में क्रमिक रूप से, क्रमिक रूप का मतलब 1909 में आया फिर 1919 में आया, तो क्रम से हम उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना चाहते हैं। इसको मॉन्ट फोर्ड योजना भी कहा जाता है। एडविन मोंटेग्यू नाम के भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे उस समय, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे वो वाइस रॉय थे। तो जिसका नाम पहले आता है वो राज्य सचिव होता है, जिसका नाम बाद में आता है वह होता है वाइस रॉय। मॉन्ट फोर्ड योजना या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड योजना भी कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या इसका दूसरा नाम है रिपोर्ट ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, भारतीय संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट। इसके माध्यम से भारत सचिव पर नियंत्रण बढ़ाया गया, और पहले जो वेतन, जो जितना खर्चा होता था भारत सचिव पर, उसको संसद, ब्रिटिश संसद द्वारा स्वीकृत राशि में से किया जाना तय किया गया। तो भारत सचिव की शक्तियां थोड़ी सी कम कर दी गई और द्विसदनात्मक विधान मंडल की स्थापना की गई, जिसमें एक राज्य परिषद रखी गई तथा तो दूसरी विधानसभा रखी गई। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया 1919 में, लेकिन ये असफल रहा। भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान प्रांतों में द्वैध शासन के तहत आरक्षित विषय रखे गए, हस्तांतरित विषय रखे गए। भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रस्ताव सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1919 में पारित किया गया। इसमें सीमित मताधिकार का प्रोविजन भी किया गया, यानी कुछ जनता को ही मत का, वोट देने का अधिकार दिया गया उस समय। और जो सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था 1909 के भारत शासन अधिनियम में की गई थी, उसको और ज्यादा बढ़ा दिया गया, विस्तारित किया गया। केंद्रीय विधानमंडल की सदस्य संख्या निर्धारित कर दी गई और बजट को, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। जो हम साइमन आयोग की बात सुनते हैं कि साइमन आयोग जो हम पढ़ते हैं, उसके बारे में ये प्रावधान किया गया कि जो हम 1919 के अधिनियम में प्रावधान कर रहे हैं, उसके लिए एक वैधानिक आयोग गठित किया जाएगा जो 10 वर्ष बाद ये जांच करेगा कि जो उत्तरदायी सरकार की स्थापना हमने करने की कोशिश की है वो कहाँ तक सफल हो पाई है। तो ये वैधानिक आयोग 2 वर्ष पहले ही गठित कर दिया गया था 1927 में, जिसको हम साइमन आयोग के नाम से जानते हैं। इसको बाल गंगाधर तिलक ने असंतोषप्रद और निराशाजनक कहा है। उसके पश्चात आता है भारत शासन अधिनियम 1935, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसका 2/3 पार्ट है वो वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी मोर देन 2/3 पार्ट, इसलिए इसको याद करना जरूरी है। भारत संघ, सबसे पहले इसमें भारत संघ की बात कही गई, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देशी राज्यों को सम्मिलित करके एक भारत संघ बनाया जाना था जो कभी अस्तित्व में आया ही नहीं। फिर ब्रिटिश भारत की 14% जनता को सीमित मताधिकार का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया, जो कि 1919 में लागू किया गया था, और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया लेकिन लागू हो नहीं पाया। पहली बार स्टेट लेवल पर, प्रांतीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था 1935 के अधिनियम में की गई। 1935 में भारत संघ तो अस्तित्व में नहीं आया, लेकिन इसका जो प्रांतीय भाग था वो 1 अप्रैल 1937 से लागू हुआ। इसमें 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां, 14 अनुभाग थे, और ये बड़ा ही व्यापक एवं विस्तृत माना जाता है। इसमें सबसे पहले संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रोविजन किया गया।
और इसमें जो विषय सूची है उसके विभाजन के तहत संघ सूची में 59 और प्रांतीय सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए। वर्तमान भारतीय प्रशासन, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो था ब्रिटिश भारतीय प्रशासन, और वर्तमान भारतीय प्रशासन की क्या विशेषताएं हैं। तो वर्तमान भारतीय प्रशासन में ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, जैसे सचिवालय प्रणाली है तो वो हमें ब्रिटिश विरासत है, यानी ब्रिटिशर्स से हमें विरासत में मिली है। पुलिस प्रशासन है वो ब्रिटिश विरासत है। अखिल भारतीय सेवाओं का, ऑल इंडिया सर्विसेज का प्रावधान है, जैसे IAS, IPS एंड IFS, ये सारा ब्रिटिश विरासत में मिला है हमें। वित्तीय प्रशासन, बजट मेकिंग, बजट अप्रूवल, बजट एग्जीक्यूशन, बजट की प्रणाली, कौन सा हमारा वित्त वर्ष की अवधि होती है, पूरा स्ट्रक्चर है वो ब्रिटिश विरासत है। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में किस प्रकार संभाग, जिला, तहसील, उपखंड बनाए हुए हैं, ये सारा ब्रिटिशर्स की देन है, हमने उसको एडॉप्ट किया है वैसे का वैसे। स्थानीय प्रशासन में भी, चाहे वो जिला कलेक्टर का पद हो, SP का पद हो, कोई भी हो, जिला प्रशासन में भी हमने ब्रिटिश विरासत के अकॉर्डिंग ही इसको एडॉप्ट किया है। और गोपनीयता, जो प्रशासनिक गोपनीयता है वो भी हमें ब्रिटिश विरासत के रूप में मिली है। जवाबदेह प्रशासन है वर्तमान भारतीय प्रशासन, जो कि संवेदनशील है, जवाबदेह है, पारदर्शी है, भागीदारी है, और लोकतांत्रिक प्रशासन है, जो आजादी के बाद का प्रशासन है उसके लिए हम ये कह सकते हैं। वर्तमान का प्रशासन है वो कल्याणकारी प्रशासन है, नागरिक बड़ी ही आशा के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की ओर देखते हैं और विकास की ओर अग्रसर है, नौकरशाही का वर्चस्व है इसमें, और प्रशासनिक तंत्र जो है वो बड़ा ही उलझा हुआ है, समस्याग्रस्त है, ये एक कठिनाई भी है। और वर्तमान प्रशासन का आधार है डेमोक्रेटिक वैल्यूज, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और इसका स्वरूप है वो कानूनी स्वरूप है, और वर्तमान प्रशासन स्मार्ट प्रशासन है। स्मार्ट प्रशासन कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी से ये बिल्कुल परिचित है, और वर्तमान में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से या ऑटोमेशन के माध्यम से डिजिटली किए जा रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा। तो वर्तमान का प्रशासन स्मार्ट भी है और सरकारी नीतियों को लागू करने में सबसे महत्वपूर्ण ये प्रभाव रखता है। भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश प्रभाव, ऐसे प्रश्नों में हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत सारी चीजें हम लिख सकते हैं, प्रशासन तो लिखना ही है, और जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो वित्तीय प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, स्थानीय प्रशासन हो, राजस्व प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, ये सारा हमने ब्रिटिशर्स से ग्रहण किया है, तो ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस तो आएगा ही। तो भारतीय प्रशासन पर ये ब्रिटिश प्रभाव है। कोई भी मामला हो प्रशासन में, 10 लोग लड़ लिए, 20 लोगों में विवाद हो गया, कोई मुद्दा हो गया, तो हमें कमेटी बनाने की जो परंपरा है ना, ये ब्रिटिशर्स ने सिखाई है। कोई भी मामला हो कमेटी बना दो, आयोग बना दो, ये समिति और आयोग प्रणाली हमें ब्रिटिश प्रभाव का नतीजा ही है। संघीय व्यवस्था और राष्ट्रीय एकता, ये ब्रिटिश प्रभाव है। गोपनीयता, प्रशासनिक कार्यों में गोपनीयता बनाए रखना और प्रशासनिक अधिकारियों का अनाम होना, यानी किसी भी कार्य के लिए मंत्री उत्तरदायी होता है, प्रशासनिक अधिकारी नहीं, वे उसी टाइम तक जिम्मेदार होते हैं जब तक वे पद पर रहते हैं, और एकदम अनामता से काम करते हैं, ये ब्रिटिश प्रभाव है। नौकरशाही व्यवस्था हमें ब्रिटिश विरासत के रूप में ही मिली है, सचिवालय व्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान। अखिल का मतलब होता है ऑल, संपूर्ण, अखिल का मतलब होता है संपूर्ण। तो ये जो IAS, IPS और IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये पूरे भारत में इनकी तैनाती की जा सकती है, इसीलिए इनको अखिल भारतीय सेवाएं कहा जाता है। अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से मूल्य वर्णित है, तो ये है लोकतंत्र, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, गणतंत्र, स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुता, इन सबको हमें प्राप्त करना है, और वो प्राप्त करने का काम कौन करेंगे, वो प्रशासन करता है। तो प्रशासकों का मूल रूप से काम यही है कि लोकतंत्र अगर है नहीं
तो उसको प्राप्त करना है, समाजवाद को स्थापित करना है, पंथ निरपेक्ष होकर कार्य करना है, ये सारे काम हमें अचीव करने हैं। संविधान में ये मूल्य हैं वर्णित, और इस काम के लिए प्रशासकों की जो आचार संहिता होती है कि हमें मार्गदर्शन कहाँ से मिलेगा, तो नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना में वर्णित आदर्श और मूल्य, ये प्रशासकों की आचार संहिता कहलाती है। संसदीय लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सरकार के 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो संसदीय लोकतंत्र में एक गुण तो ये होता है कि कार्यपालिका का चयन विधायिका में से होता है, और कार्यपालिका के दो रूप हमें देखने को मिलते हैं, एक नाम मात्र की कार्यपालिका, एक वास्तविक कार्यपालिका। यानी जनता की द्वारा चुनी हुई सरकार जो जनता पर खुद प्रशासन करे वो कहलाती है संसदीय लोकतंत्र प्रणाली, जिसमें जनता के प्रतिनिधि ही जनता पर खुद पर शासन करते हैं। और यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट होता है वो राष्ट्रपति होता है, और हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है और राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। राजनीतिक कार्यपालिका में किसको सम्मिलित किया जाता है? तो राजनीतिक कार्यपालिका में राष्ट्रपति को सम्मिलित किया जाता है, प्रधानमंत्री को सम्मिलित किया जाता है, मंत्रिपरिषद को सम्मिलित किया जाता है, तथा महान्यायवादी को सम्मिलित किया जाता है। ये राजनीतिक कार्यपालिका के रूप है, जिसमें से बाकी के ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद हमारे सिलेबस में है। कार्यपालिका के दो रूप, एक नाम मात्र, दूसरा वास्तविक, नाम मात्र और वास्तविक। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। यानी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है भारत में? भारत एक गणतंत्र है, यानी इस देश का, इस राज्य का अध्यक्ष भारत का राज्याध्यक्ष यानी राष्ट्रपति, जिस देश के अध्यक्ष का, जिस राज्य के अध्यक्ष का चुनाव होता हो, निर्वाचन होता हो, उसको क्या कहेंगे हम? गणतंत्र कहेंगे, रिपब्लिक कहेंगे। तो भारत की राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, उसमें संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ओनली इलेक्टेड निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। इसको हम कहेंगे भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का निर्वाचक मंडल। इसका वर्णन भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 में है। संविधान का अनुच्छेद 55 हमें बताता है कि किस प्रकार निर्वाचन का तरीका रहेगा राष्ट्रपति के। तो हमें यह याद करना होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और गुप्त मतदान, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित चीजें हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां, तो बेसिकली हमें इसकी 7 शक्तियों को ध्यान में रखना होता है, जिसमें से ये 3 जो हाइलाइटेड है ये गवर्नर के पास नहीं होती, बाकी की ये 4 है ये राष्ट्रपति के पास और गवर्नर के पास, दोनों के पास होती है। ये लास्ट वाली गवर्नर के पास नहीं होती, लेकिन राष्ट्रपति के पास होती है। पहली है कार्यकारी शक्तियां, जिसमें महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां, महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां, जैसे प्रधानमंत्री हो, मंत्रियों की नियुक्ति हो, ये सारी कार्यपालिका शक्ति या कार्यकारी शक्ति होती है राष्ट्रपति की। फिर विधायी शक्तियों में आता है कि लोकसभा या राज्यसभा के, यानी जो संसद के सदन है उनकी बैठक बुलाना, संसद के सदनों के सत्रावसान, विघटन, और दोनों का अगर संयुक्त अधिवेशन बुलाना है उसके बारे में, और एड्रेस, राष्ट्रपति को अगर संबोधित करना है, संदेश भेजना, कोई भी विधेयक तब कानून बनता है जब उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं। कैग की रिपोर्ट, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, यूपीएससी की रिपोर्ट, ये संसद में रखवाने का काम है राष्ट्रपति महोदय का। वित्तीय शक्तियों में धन विधेयक के लिए पूर्वानुमति लेनी पड़ती है, आकस्मिक निधि, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट, ये सब में राष्ट्रपति की शक्तियां होती है। न्यायिक शक्तियों में अनुच्छेद 72,
124, 143, जिसमें क्षमादान की शक्ति है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगना है, ये न्यायिक शक्तियों में आता है। कुछ इमरजेंसी प्रोविजन की जो पावर्स होती है, आपातकालीन शक्तियां, उसमें आर्टिकल 352, 356, 365 और 360, जिसमें कोई भी प्रकार का राष्ट्रपति शासन कैसे लगाया जाना है, कहाँ पर, और इसके बारे में अनुच्छेद है 352, 356, 365 और 360। कूटनीतिक जो शक्तियां होती है वो किसी भी राज्य का, किसी भी देश का कार्य, जो औपचारिक प्रमुख होता है वो होता है हेड ऑफ द स्टेट, होता है राज्य का प्रमुख होता है, और सुप्रीम कमांडर होता है तीनों प्रकार की सेनाओं का, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, ये सब का सुप्रीम कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। ये राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां होती है। प्रधानमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 74(1) में है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, तो मंत्री परिषद के समस्त सदस्यों यानी मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसमें ये बात कही गई है मंत्री परिषद के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री होता है, ये बात तो कही गई है आर्टिकल 74(1) में, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और मंत्री परिषद के प्रमुख होते हैं, ये बात आर्टिकल 74(1) में कही गई है। प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन कुछ शक्तियां हैं जैसे राष्ट्रपति संबंधी क्या कर्तव्य हैं, प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद संबंधी क्या कर्तव्य हैं और संसद संबंधी क्या कर्तव्य हैं। अब ये जो पीएम का रोल होता है वो होता है दोनों के बीच मीडिएटर का, वास्तविक कार्यपालिका तो है लेकिन प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद, मंत्री परिषद का हेड होता है पीएम, और पीएम बीच में कड़ी का काम करता है, मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी का काम। ये मंत्री परिषद जो होती है ये वास्तविक कार्यपालिका होती है, और जो राष्ट्रपति होते हैं वे नाम मात्र के कार्यपालिका होती है। तो वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका में बीच में कड़ी है प्रधानमंत्री, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड है, मंत्री परिषद के प्रमुख है। तो कुछ शक्तियां हैं राष्ट्रपति संबंधी अनुच्छेद 78, प्रधानमंत्री के तीन कर्तव्य, राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण नियुक्तियों में परामर्श देते हैं, संसद सत्रों के बारे में परामर्श देते हैं, और कड़ी होते हैं मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच में। मंत्री परिषद संबंधी क्या कर्तव्य है, क्या कार्य है, क्या शक्तियां हैं, कि जितने भी मंत्री हैं उन सब मंत्रियों में प्रथम स्थान किसका होता है, प्रधानमंत्री का होता है। सभी मंत्रियों को मंत्रालय का आवंटन करना, किसको रक्षा मंत्री बनाना है, किसको गृह मंत्री बनाना है, किसको वित्त मंत्री बनाना है, किसको मंत्री नहीं बनाना है, ये सारा काम करते हैं प्रधानमंत्री। प्रमुख नीतियों के निर्माता के रूप में काम करते हैं प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करते हैं। संसद संबंधी जो कर्तव्य है वो है लोकसभा के नेता, सत्र आहूत करवाना, अवसान करवाना, सदन विघटन का परामर्श, वास्तव में ये काम तो करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन ये जो सलाह देने का काम करते हैं वो प्रधानमंत्री ही करते हैं। किसी भी प्रकार की नीतियों की घोषणा करना है वो भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद का प्रावधान अनुच्छेद 74(1) में है। मंत्री परिषद के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्री परिषद को हम ऐसे समझ सकते हैं कि सारे के सारे मंत्री जिसमें आ जाएं, मंत्री कई प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के मान सकते हैं हम, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव। अगर इसको हम पूरी तरीके से मंत्री नहीं माने तो तीन प्रकार के मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री दो प्रकार के होते हैं, एक राज्य मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं। तो सारे के सारे मंत्री जो होते हैं वो मंत्री परिषद में आते हैं, उसके अंदर जो प्रमुख
जो प्रमुख मंत्रालयों के मंत्री होते हैं उनको हम कह सकते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। ये सबसे बड़े वाले मंत्री होते हैं, और फिर होते हैं राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री दो प्रकार के होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार वाले और एक बिना स्वतंत्र प्रभार वाले। तो ये तीन या चार प्रकार के मंत्री हमें आमतौर पर देखने को मिलते हैं। आमतौर पर तीन ही देखने को मिलते हैं, कभी कभार मजबूरीवश संसदीय सचिव भी बनाए जाते हैं। मंत्री परिषद के कार्य क्या है? वही कार्य हैं जो प्रधानमंत्री के हैं। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति को सलाह देना, वास्तविक सत्ता का प्रयोग करना, नाम मात्र के तो राष्ट्रपति करते हैं, वास्तविक सत्ता का प्रयोग कौन करती है? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल का मतलब होता है परिषद, या हिंदी में कहें तो सभा, और मिनिस्टर्स का मतलब है मंत्री। तो मंत्रियों की परिषद या मंत्रियों की सभा, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद नीति बनाने का सबसे सबसे शीर्ष निकाय होता है। कानून बनाने का, विधि निर्माण का कार्य मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है। जनता की शिकायतों का निवारण और विभिन्न प्रकार के मंत्रालयों में, विभागों में समन्वय का काम, कोऑर्डिनेशन का काम मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है। संघवाद का अर्थ, संघवाद ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सरकारों के दो या दो से अधिक स्तर हो, संघात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। लेकिन फिर भी भारत एक फेडरल स्टेट नहीं है, भारत के संविधान में यूनियन शब्द को अपनाया गया है। यानी भारत का संघवाद अपने आप में अलग प्रकार का है, यूनिक टाइप का। हमारे संविधान के आर्टिकल 1 में कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, भारत संघीय राज्य नहीं है। इंडिया इज नॉट ए फेडरल स्टेट, इंडिया इज ए यूनियन यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत संघ समझौते का परिणाम नहीं है, बहुत सारे राज्य इकट्ठे होके समझौते समझौता करके एक संघ बनाए, ऐसा नहीं है भारत। भारत के किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। केंद्रीय सचिवालय की संरचना, ये आपके यहां से यूनिट चेंज हो गई है। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है, भारतीय प्रशासन का विकास और कार्यपालिका के बारे में। केंद्रीय सचिवालय की संरचना, जितने भी मंत्रालय होते हैं, विभाग होते हैं, उन सबको सामूहिक रूप में सचिवालय कहते हैं। और सचिवालय नीति निर्माण का काम करता है, और नीतियों को लागू करने का काम जो दूर फील्ड में कार्यकारी संस्थाएं होती है वो करती है। यानी नीति बनाने का काम कोई और करता है, नीति लागू करने का काम कोई और करता है। इसको स्प्लिट सिस्टम कहा जाता है, सचिवालय में स्प्लिट सिस्टम बोलते हैं इसको। स्प्लिट का मतलब ही होता है कि किसी भी चीज को दो टुकड़ों में तोड़ देना, स्प्लिट। इसका ढांचा त्रिस्तरीय होता है, मंत्रालय, सचिवालय, निदेशालय। आमतौर पर यही संरचना हमें देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप जीवन में कहीं भी जाओ, काम करने के लिए भी अपना काम होगा, तो आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन संभव है, क्योंकि ये सरकार पर पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि सरकार कब कौन सा पद ऊपर नीचे कर दे या रिप्लेस कर दे। लेकिन आमतौर पर यही संरचना मिलेगी आपको। सबसे ऊपर मिनिस्ट्री का नाम, जैसे गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, उसमें फिर विभाग होते हैं, विभागों में खंड होते हैं, विंग होती है, विंग में डिवीजन होते हैं, डिवीजन में ब्रांच होती है, ब्रांच में सेक्शंस होते हैं। यानी सेक्शन, उसके ऊपर ब्रांच, उसके ऊपर डिवीजन, डिवीजन के ऊपर विंग, विंग के ऊपर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के ऊपर मिनिस्ट्री। अब मिनिस्ट्री किसी भी मंत्रालय का प्रभारी होता है मंत्री, विभाग का प्रभारी होता है सचिव, विंग का प्रभारी होता है अतिरिक्त सचिव या संयुक्त सचिव, और डिवीजन का हेड होता है वो होता है डिप्टी सेक्रेटरी, और ब्रांच का हेड होता है वो ब्रांच सेक्रेटरी या अंडर सेक्रेटरी, और सेक्शन यानी अनुभाग का जो हेड होता है वो होता है सेक्शन ऑफिसर। मंत्रालय का हेड होता है मंत्री। तो मंत्री क्या होते हैं? राजनीतिक प्रमुख। और विभाग के प्रमुख होते हैं सचिव। तो सचिव क्या होते हैं? प्रशासनिक प्रमुख। ये इंपॉर्टेंट है,
सचिव होते हैं, जहां भी सचिव नाम देखो तो ये मान लेना कि ये प्रशासनिक प्रमुख है, जहां भी मंत्री नाम देखो तो ये मान लेना कि ये राजनीतिक प्रमुख है, और ये सबसे नीचे वाली प्रशासनिक यूनिट होती है सेक्शन, सेक्शन, और हाईएस्ट में होती है मिनिस्ट्री, और मिनिस्ट्री का जो हेड होता है वो होता है पॉलिटिकल हेड। ये केंद्रीय सचिवालय की संरचना है। ये चाहे किसी भी प्रकार की, चाहे गृह मंत्रालय के संगठन आ जाए, चाहे वित्त मंत्रालय का संगठन आ जाए, चाहे कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय का संगठन आ जाए, आपके यही यही आंसर होगा केंद्रीय सचिवालय के कार्य। ये बिल्डिंग आपने बहुत बार देखी होगी अखबारों में या सोशल मीडिया पर, सेंट्रल सेक्रेटरिएट, भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं, फिक्स तो नहीं है लेकिन किसी बुक में 54 दिए हुए हैं और ऑलमोस्ट यही है, लगभग 51 51 मंत्रालय और सारे विभाग, समस्त विभाग, इन सब को सामूहिक रूप में क्या कहते हैं? केंद्रीय सचिवालय। केंद्रीय सचिवालय के काम परामर्शदाता निकाय है, विधेयक निर्माण का काम, बजट निर्माण का काम, योजना बनाने का काम, विधेयक बनाना, बजट बनाना, योजना बनाना, परामर्श देना, वित्तीय और प्रशासनिक अनुमति देना, पर्यवेक्षण करना, समन्वय करना, संपर्क करना, सहायता करना, नीति की व्याख्या करना, नीति का निर्माण, नीति संशोधन, मॉनिटरिंग, कार्मिक प्रशासन, तथ्य और सूचना एकत्रण। यहाँ पर एक विशेष बात है कि एज ए स्टूडेंट अगर आपको स्पेसिफिक स्पेसिफिक कभी भी अगर कार्य याद नहीं होना, किसी भी मंत्रालय के कार्य याद नहीं हो, तो आप इन 11 में से कोई भी लिख के आ सकते हो, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे वित्त मंत्रालय है तो वित्त के तो कुछ काम करेगा ही वो, लेकिन ये काम तो है ही उसके सारे, तो किसी भी मंत्रालय के कार्य, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, चाहे वित्त मंत्रालय हो, सारे कार्य सचिवालय के जितने भी कार्य होते हैं ना, वो सारे मंत्रालयों के कार्य भी होते हैं, क्योंकि मंत्रालयों का सामूहिक नाम क्या है? सचिवालय है। मंत्रालय और विभाग का सामूहिक नाम सचिवालय है, सेक्रेटेरिएट। इसमें एक चीज और विशेष ध्यान रखनी है कि एक मंत्रालय में एक विभाग हो सकता है, दो विभाग हो सकते हैं, तीन विभाग हो सकते हैं, चार विभाग हो सकते हैं, पांच विभाग हो सकते हैं, छह विभाग हो सकते हैं, और बिना विभाग के भी हो सकता है। यानी एक मंत्रालय में एक विभाग हो सकता है, दो विभाग हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, छह हो सकते हैं, जितने सरकार चाहे उतने हो सकते हैं, बिना विभाग के भी मंत्रालय हो सकता है। कैबिनेट सचिवालय के कार्य, वो तो था केंद्रीय सचिवालय, ये है कैबिनेट सचिवालय। तो कैबिनेट का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके जितने भी मिनिस्टर्स हैं मंत्रिपरिषद में, जितने भी मिनिस्टर्स हैं मंत्रिपरिषद में, उसमें से कुछ बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं, कुछ बड़े पद वाले, बड़े डिपार्टमेंट वाले, ये क्या कहलाते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर। हिंदी में इसको मंत्रिमंडल कहा जाता है, मंत्रिमंडल, कैबिनेट मिनिस्टर। ये जो कैबिनेट मिनिस्टर है, इससे रिलेटेड जो सचिवालय सहायता देने का काम करता है वो कहलाता है कैबिनेट सचिवालय। तो ये कैबिनेट को ही सपोर्ट करेगा, ये सचिवालय किसके लिए है? कैबिनेट के लिए। मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार कार्यकरण नियम 1961 और कार्य आवंटन नियम 1961 के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है, जिससे मंत्रालयों में काम इजीली हो सकता है। ये समितियों को सचिवालय सहायता उपलब्ध कराता है, इसके काम भी वैसे ही हैं, परामर्शदाता निकाय है ये प्रधानमंत्री की आंख और कान, ये कैबिनेट सचिवालय, या हम यूं कह सकते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, ये इंडिया में सबसे पावरफुल, किसी भी आईएएस की अगर जो जो पोस्ट होती है वो इंडिया में सबसे पावरफुल पोस्ट यही होती है, कैबिनेट सेक्रेटरी।
वर्तमान में श्री राजीव गोबा हैं, मंत्रिमंडल सचिवालय सचिव कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। ये भारत के, ये टॉप टॉप पोस्ट जो होती है भारत की, सर्वोच्च प्रशासनिक पोस्ट वो यही है। ये प्रधानमंत्री की आंख और कान कहा जाता है इनको। ये मीटिंग जो कैबिनेट की मीटिंग होती है उसमें एकमात्र सदस्य होते हैं जो राजनीतिक पद पर नहीं होते, लेकिन फिर भी वो मीटिंग अटेंड करते हैं। और मीटिंग में क्या एजेंडा रखा गया है उसकी बैठक व्यवस्था को देखना और एजेंडा को रिकॉर्ड करने का काम कैबिनेट सचिवालय का होता है। प्रधानमंत्री का जो अभिभाषण है कैबिनेट के अंदर वो भी वो तैयार करने का काम करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कैबिनेट सचिवालय का काम है। केंद्र राज्य संबंधों को कैबिनेट सचिवालय देखता है। पर्यवेक्षण, समन्वय, सहायता, मॉनिटरिंग, नीति पहल। प्रधानमंत्री को सर्वाधिक सहायता कैबिनेट सचिव देता है। कैबिनेट सचिव वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होता है। समन्वय, प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री हाउस और अदर मिनिस्ट्रीज में आपस में समन्वय का काम भी कैबिनेट सचिव का ही है। और ये नियंत्रण नियुक्ति के मामले भी देखते हैं। और जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं वो सिविल सर्विसेज बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। और कार्मिक प्रशासन का काम भी कैबिनेट सचिवालय को देखने को होता है। ये मंत्रिमंडल सचिवालय यानी कैबिनेट सेक्रेटरी है। इसमें ऊपर ही ऊपर कैबिनेट सेक्रेटरी है, फिर उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी, ऐसे पद होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन, एडिशनल सेक्रेटरी, चेयरमैन केमिकल वेपन्स वाले, और ये आपके डिप्टी सेक्रेटरी। ये याद पूरा नहीं कर सकते और ये करना ही नहीं है अपने को, लेकिन मंत्रिमंडल सचिवालय अगर आता है तो आपको कम से कम दो या तीन स्तर तो ये बनाने ही होते हैं ऐसे। प्रधानमंत्री कार्यालय, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पीएमओ। अब प्राइम मिनिस्टर के लिए अलग ऑफिस, पीएमओ, जिसमें प्रधानमंत्री ऊपर ही ऊपर, फिर राज्य मंत्री होते हैं, फिर प्रधान सचिव होते हैं, फिर मीडिया सलाहकार, अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और फिर नीचे आता है एक राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान केंद्र। पर भारत सरकार के विभाग के समान दर्जा प्राप्त है प्रधानमंत्री कार्यालय को। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1947 को हुई थी। पहले इसको प्रधानमंत्री सचिवालय कहा जाता था, फिर इसको प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम दिया गया 1977 में। मीडिया द्वारा कभी कभी इसको सुपर शक्तिशाली कहा जाता है, सूक्ष्म कैबिनेट, सुपर कैबिनेट, सर्वोच्च मंत्रालय, सर्वोच्च सचिवालय, भारत सरकार की मिनिएचर कैबिनेट, ऐसा कहा जाता है। जैसा प्रधानमंत्री होता है वैसे ही पीएमओ का संगठन बदलता रहता है। और पीएमओ के काम क्या होते हैं, प्रधानमंत्री को सहायता देना और जितने भी बड़े बड़े लोग, विदेशी प्रतिनिधि, मंत्री, चीफ मिनिस्टर, राष्ट्रपति, इन सब से संपर्क करने में प्रधानमंत्री की सहायता करना, और जितने भी रिकॉर्ड मेंटेनेंस के काम है और प्रधानमंत्री का कोई भी मैसेज है वो कैबिनेट सेक्रेटरी को भेजना, प्रधानमंत्री का भाषण, विदेश यात्रा, राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था की देखरेख का काम प्रधानमंत्री ऑफिस से किया जाता है। नीति आयोग के संबंध में भी होता है। और जितने भी प्रधानमंत्री के अधीन विभाग होते हैं उन विभागों की देखरेख भी प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा किए जाते हैं। ये तीन प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीन मंत्रालय आपके सिलेबस में है, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। इसमें तीनों में ये देख लेते हैं, गृह मंत्रालय को ब्रिटिश विरासत माना जाता है, वित्त मंत्रालय को भी ब्रिटिश विरासत माना जाता है। गृह मंत्रालय का एक अन्य नाम है नॉर्थ ब्लॉक। पुलिस विभाग के पर्याय के रूप में गृह मंत्रालय को जाना जाता है। वित्त मंत्रालय में 5 विभाग है जबकि गृह मंत्रालय में 6 विभाग थे पहले। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में 3 विभाग है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन। तो ये थोड़े थोड़े नाम इनसे ऐड और होते हैं। स्थापना इसकी 1985 में हुई थी। इनके सबके कार्य दिए हुए हैं जो आपको पढ़ने से ही पता चल जाएगा। गृह मंत्रालय में आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, केंद्र राज्य संबंध और जितने भी भारत में संघ शासित प्रदेश हैं उनका प्रशासन कैसे होता है, अर्धसैनिक बलों की तैनाती और उनका प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, पुलिस का मॉडर्नाइजेशन, अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था कैसे संभालनी है, नागरिकता से संबंधित कार्य, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यानी अफस्पा और ब्लू बुक प्रोटोकॉल, ये सारे काम गृह मंत्रालय के द्वारा किए जाते हैं। वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट,
आर्थिक समीक्षा, वित्तीय नियम बनाना, आयकर का काम, इनडायरेक्ट टैक्स का काम, आय एकत्रण, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, बीमा के, बैंकिंग के, सीबीडीटी, सीबीआईसी, लोक उपक्रमों की स्वायत्तता, स्वतंत्रता पर, और इधर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। इसमें तीन प्रकार के फेमस ये जो जो नॉर्मल काम है, कार्मिक प्रशासन है, एक कार्मिक प्रशासन और प्रशासनिक सुधार एक विभाग है अलग से, लोक शिकायत निवारण ये भी है, और पेंशनर कल्याण, जैसे इसका नाम है वैसे ही इसके कार्य हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज और जो केंद्रीय सेवाएं होती है उनके कार्मिक प्रशासन के मामले, जैसे आईएएस को कौन सा कैडर अलॉट करना है, ये सारी चीजें इसमें कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में ये देखी जाती है। जन शिकायतें और पेंशन मामले, इनके जो विभाग हैं, तो गृह मंत्रालय में आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, गृह विभाग, राजभाषा विभाग, जम्मू कश्मीर विभाग और राज्य विभाग, ये गृह मंत्रालय के विभाग है। वित्त मंत्रालय में पांच है, आर्थिक कार्य, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग और दीपम, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति विभाग। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में तीन विभाग है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। वर्तमान में मंत्री श्री अमित शाह गृह मंत्री हैं, श्री श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के आमतौर पर मंत्री प्रधानमंत्री ही होते हैं, अलग से कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होते। इसके कार्य हैं, वही कार्य हैं जो तीनों में सेम है, तीनों में सेम है। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी चीज है। अब आपको यह भी लग रहा होगा कि तीनों के सेम है तो सेम कैसे लिख कर आ सकते हैं, परीक्षा में कभी भी तीनों के नहीं पूछे जाते, परीक्षा में तो एक के ही पूछे जाएंगे, दो के भी नहीं पूछे जाएंगे। अगर फिर भी आ जाए तो लिख देना, क्योंकि काम यही है तो लिखने में कोई हर्ज नहीं है। तीनों के पूछे नहीं जाते इसलिए पूछे एक के जाते हैं, एक में आराम से लिख सकते हो आप। जिला प्रशासन, जिला स्तर पर प्रशासनिक कामों को संपादित करने हेतु, यानी जिला स्तर पर जितने भी काम करने होते हैं उन सब के लिए, जितने विभाग होते हैं जिले में उन सब के ऑफिसेज को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, जिला प्रशासन कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। प्रत्येक जिले को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से उपखंड और तहसीलों में बांटा गया है। राजस्थान में 10 संभाग और 50 जिले हैं वर्तमान में। ये संभागीय आयुक्त कार्यालय होता है, उसके नीचे जिला कलेक्टर, और फिर जैसे ये पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये रेवेन्यू का हो गया, रेवेन्यू में उपखंड, तहसील और पटवार क्षेत्र, इस प्रकार का ये सारा जिला प्रशासन में आता है। जिला प्रशासन का अर्थ क्या है? जिला शब्द निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र, जिला में लोक कार्यों का प्रबंधन, ये जिला प्रशासन का अर्थ है। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जिसको हम जिला कह सकते हैं, उसमें आमतौर पर प्रशासनिक काम है जितने भी, उनको कैसे करवाया जाना है, यही जिला प्रशासन है। और जिले की परिभाषा अलग अलग हो सकती है, जैसे पुलिस जिला अलग हो सकता है, रेवेन्यू जिला अलग हो सकता है, डाक जिला अलग हो सकता है, कृषि जिला अलग हो सकता है, रेलवे जिला अलग हो सकता है। तो इन सब में हमें भ्रम की स्थिति नहीं लानी है। जिले के अर्थ अलग हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जिला प्रशासन का यही अर्थ है। जिला प्रशासन, जिला प्रशासनिक व्यवस्था को आराम से करवाने के लिए विकेंद्रीकरण के हिसाब से एक यूनिट है जिला। इसका इतिहास यही है, वैदिक काल में इसको सतग्रामी कहा जाता था, मौर्य काल में राजू का जनपद, गुप्त काल में विषयपति, मुगल काल में फौजदार, ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, विषयपति या फौजदार। लैटिन शब्द डिस्ट्रिक्टस से बना है, ये किसी उद्देश्य विशेष के लिए बनाया गया रीजनल विभाजन। ब्रिटिश काल में सबसे पहले 1776 में इस शब्द का प्रयोग किया गया था कलकत्ता के दीवान के संदर्भ में, और भारत के संविधान में अनुच्छेद 233, 243 और अनुसूची 6 में जिला शब्द का प्रयोग हुआ है। जिला प्रशासन के लक्षण, कोई भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है और जनता के बीच में एक लिंक का काम करता है। आमतौर पर किसी जिले का औसत क्षेत्रफल इतना होता है, हालांकि राजस्थान में ये अब मानक बदल चुके हैं,
पुराने मानकों के अनुसार इतना था। सामान्यतया जनसंख्या 10 लाख और सामान्यतया गांव 1000 प्लस, लेकिन अभी इसकी कोई निश्चित संरचना नहीं है क्योंकि दुदू के बनने के बाद और कुछ और चीजें चेंज हो चुकी है, तो जिला प्रशासन के ये नॉर्म्स हैं वो अब कोई ज्यादा ऑथेंटिक तो नहीं है, तो विशेष परिस्थिति के हिसाब से बनाए जा सकते हैं। प्रशासनिक प्रमुख जिला कलेक्टर या जिलाधीश कहलाता है। ये जिले में जितने भी विभाग होते हैं जिला स्तर पर उनके प्रमुख के रूप में काम करते हैं। जिला प्रशासन एक संभाग की इकाई होते हैं और संभागीय आयुक्त इन पर नियंत्रण रखता है। जिला प्रशासन के जो कार्य होते हैं उन कामों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कानून व्यवस्था बनाए रखना, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, विकास प्रशासन और अन्य जिला स्तर के विभागीय अधिकारी होते हैं, जैसे DTO जिसको कहते हैं, जिला परिवहन अधिकारी, जिला पशुपालन, जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य जिला उद्योग अधिकारी, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, जिला नियोजन अधिकारी। जिला प्रशासन या आपदा प्रबंध में जिलाधीश की क्या भूमिका होती है, कलेक्टर के क्या क्या काम होते हैं? एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वो पोस्ट कोड के समस्त कार्यों को करवाता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। पोस्ट कोड, जनगणना, प्रोटोकॉल, गवर्नमेंट अभियान, जितने भी सरकारी है, चुनाव और दौरे, महत्वपूर्ण अधिकारियों के दौरे, आपूर्ति का काम, मीटिंग करना और जितनी भी जनता की शिकायतें हैं उनका निवारण करना। जिला दंड नायक के रूप में DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में, तो आर्टिकल 50, लॉ एंड ऑर्डर संभालना, वेपन लाइसेंस के मामले, हथियारों के मामले, धारा 144, CRPC, पोस्टमार्टम इन नाइट, रात को अगर पोस्टमार्टम की जरूरत पड़ गई तो जो जेल में बंदी होते हैं उनके कल्याण की, पासपोर्ट की और अपराध की गतिविधियों के नियंत्रण के रूप में। जिला कलेक्टर के रूप में, कलेक्टर शब्द ही रेवेन्यू कलेक्ट करने से है, टैक्स कंट्रोल, ट्रेजरी का कंट्रोल, सेटलमेंट, ये सारे लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार, चकबंदी, हदबंदी, इस प्रकार के काम भी जिला कलेक्टर को करने होते हैं। विकासात्मक कार्य है, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जितनी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, जिला परिषद की योजनाएं हैं और जो इंडस्ट्री के जो सेंटर्स हैं, कल्याण की योजनाएं हैं, मनरेगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती योजना, ये स्वच्छ भारत मिशन, जो भी लिटरेसी के साक्षरता, ये सारे विकासात्मक कार्य। आपदा प्रबंधन के रूप में सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को इम्प्लीमेंट करने का काम, और बाढ़, महामारी, भूकंप, अकाल, सूखा, युद्ध, आतंकवाद, नक्सलवाद, आंतरिक रूप से कोई उपद्रव हो जाए, कोई आंदोलन हो जाए, कोई सांप्रदायिक हिंसा हो जाए, तो कलेक्टर का रोल है वो इम्पोर्टेंट होता है। समन्वय के रूप में काम करता है DRDA में, DPC में, जो जिला नियोजन समिति है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो कमेटी बनती है उसमें SC ST, मोर देन जिला स्तर पर जितनी भी 60-70 कमेटीज होती है उन सब के हेड के रूप में जिला कलेक्टर कार्य करता है। जिला कलेक्टर की जो बदलती भूमिका है वो एक तो थी पहले भारतीय सिविल सेवा और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद बन गई ये भारतीय प्रशासनिक सेवा, यानी ICS becomes IAS। पहले था इंडियन सिविल सर्विस, फिर बन गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और बहुत सारे परिवर्तन इसमें आए हैं कि कल्याणकारी राज्य की भूमिका। अनुच्छेद 50 कहता है कि कलेक्टर के जो कार्य हैं, यानी कार्यपालिका के कार्य हैं, उनको अलग किया जाए और जनता में माई बाप की छवि आज के लोकतंत्र में धूमिल हो गई है और आजकल लोक सेवक का दर्जा प्राप्त है, वो पुराने जमाने वाली फीलिंग्स वो आती नहीं है। विकास प्रशासन की जिम्मेदारी कलेक्टर पर है, सिटीजन चार्टर, मानवाधिकार, RTI का दौर है आजकल, राजनीतिक दलों की भूमिका बदल गई है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू किए जाने के कारण स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा मिल गया है, इससे भी जिला कलेक्टर की भूमिका में काफी बदलाव देखने को मिला है। और जिन शहरों में आयुक्त प्रणाली लागू हो जाती है वहां पर कलेक्टर के पावर्स कम हो जाते हैं, क्योंकि जो पुलिस की और मजिस्ट्रेट की पावर थी वो पुलिस कमिश्नर को मिल जाती है। विशेषज्ञता का जमाना है, इसलिए सामान्यज्ञों की थोड़ी सी भूमिका में बदलाव स्वाभाविक है। और ये जो ग्लोबलाइजेशन के बाद जो लाइसेंस, कोटा, परमिट वाली जो भूमिका थी वो सारी खत्म हो गई है, जिला कलेक्टर की भूमिका में ये बदलाव देखने को मिलते हैं।
लोक उपक्रम, यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि लोक और सार्वजनिक दोनों एक ही शब्द है। हिंदी अलग है, इंग्लिश में इनको पब्लिक ही बोला जाता है, और उपक्रम और उद्यम ये भी एक ही चीज है, इसको अंडरटेकिंग बोला जाता है या एंटरप्राइजेस बोला जाता है। तो पब्लिक पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक अंडरटेकिंग या पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पब्लिक एंटरप्राइजेस, ये सब एक ही चीज है। इनके प्रकार होते हैं, एक विभाग होता है, एक कंपनी होती है, एक निगम होती है। यानी लोक उपक्रम के प्रकार हैं, विभाग हो सकता है, कंपनी हो सकती है, निगम हो सकता है, सार्वजनिक उपक्रम या लोक उपक्रम, सरकारी स्वामित्व में स्थापित ऐसे उद्यम, ऐसे उपक्रम जो या तो सेवा देते हैं या वस्तु का उत्पादन करते हैं, ऐसे क्या कहलाते हैं? सार्वजनिक उपक्रम। एक उदाहरण बता दें आपको, जैसे बीएसएनएल है, जैसे एलआईसी है, ये सारे क्या है? लोक लोक उपक्रम, ये सब लोक उपक्रम है। जैसे भेल, गेल, सेल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, कितने ही लोक उपक्रमों की विशेषताएं, इनका चरित्र पब्लिक होता है, सरकारी होता है, ये लोक कल्याण की भावना रखते हैं, इनका उद्देश्य संतुलित विकास का होता है, इन पर नियंत्रण होता है संसद का, और इस पर विभाग का भी नियंत्रण होता है। इसके प्रकार देख लो, सार्वजनिक उपक्रमों के प्रकार, लोक उद्यमों के प्रकार, एक होता है विभाग डिपार्टमेंट, एक होता है निगम कॉरपोरेशन, एक होती है कंपनी। यानी डिपार्टमेंट को सबसे कम स्वायत्तता होती है, कॉरपोरेशन मध्यम टाइप का है, कंपनी सबसे ज्यादा फ्री रहती है। यानी ये किसी उपक्रम को चलाने के प्रकार है, कोई विभाग हो सकता है, कोई निगम हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है। विभाग का जो प्रबंध है, मैनेजमेंट है, वो सरकार के विभाग द्वारा होता है, जैसे रेल, रेल विभाग, रेल विभाग, निगम, सरकार द्वारा स्थापित उद्योग के संचालन की प्रणाली, ये निगम। और कंपनी कौन सी होती है? जो कंपनी एक्ट के तहत स्थापित होती है वो कंपनी। लोक उद्योगों के प्रकार, लोक उद्योग, लोक उपक्रम, ये ऐसे सबके लिए लोक उद्यम बोला जाता है। ये तीन प्रकार के हैं, प्रबंध के स्वरूप के आधार पर, स्थापना के वैधानिक आधार पर, एक विभाग, एक निगम, एक कंपनी। विभागीय संगठन, लोक निगम और कंपनी। उदाहरण, विभाग के उदाहरण है रेलवे, बंदरगाह, डाक तार विभाग, और निगम के उदाहरण दामोदर घाटी निगम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वर्तमान में ये सब कंपनियां बन चुकी है, लेकिन फिर भी निगम का कैरेक्टर इसमें बाकी है। सेल, गेल, एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडियन ऑयल, कोल इंडिया लिमिटेड, बीपीएल, ये सब क्या कंपनी है। तो विभाग संगठन, विभागीय संगठन होते हैं, वो लोक महत्व की सामाजिक सेवा वाले होते हैं, इसमें अधिक जवाबदेही होती है, क्योंकि ये सरकार के विभाग द्वारा प्रबंध किया जाता है, इनके कर्मचारी लोक सेवक माने जाते हैं, इनमें कठोर नियंत्रण होता है गवर्नमेंट का, और सरकारी नियम चलते हैं, और अंकेक्षण कैग द्वारा किया जाता है, स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं हो सकता। निगम की विशेषता होती है, ये विशेष और महत्वपूर्ण काम के लिए होते हैं, इसमें जवाबदेही और स्वायत्तता का संतुलन पाया जाता है, और ये निगम के कार्मिक होते हैं, कर्मचारी लोक सेवक नहीं होते, निगम के माने जाते हैं। केवल नीतिगत सरकारी नियंत्रण है, सरकार का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता, और सरकारी पूंजी हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, और कैग भी इसका ऑडिट कर सकता है, और इसकी प्रक्रिया कठोर है। अब ये जो कंपनी होती है, ये उत्पादन या निर्माण कार्य में इसका उद्देश्य होता है, इसकी जवाबदेही कम होती है, फ्रीडम बहुत ज्यादा होती है, स्वायत्तता बहुत ज्यादा होती है, सब लोग कंपनी के कार्मिक कहलाते हैं। स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता बहुत ज्यादा होती है, सरकारी और निजी दोनों का सहयोग होता है इसमें,
और कैग भी कर सकता है, खुद भी कंपनी ऑडिट कर सकती है और अकाउंटेंट भी ऑडिट कर सकता है। और इसका स्वामित्व हस्तांतरण है वो आसानी से हो सकता है, एक कंपनी को किसी दूसरे व्यक्ति को आराम से इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके गुण है विभाग के कि इसमें उत्तरदायित्व तो बहुत ज्यादा रहता है, समन्वय इजी है, समरसता पाई जाती है, एक जैसे रूल्स मिलेंगे। निगम में क्या होता है, थोड़ा स्वायत्त होता है, थोड़ा कार्यकुशल भी होता है और आर्थिक और सामाजिक लाभ बहुत ज्यादा है। कंपनी में ज्यादा स्वायत्तता है तो जिम्मेदारी कम होगी, कार्यकुशलता बहुत ज्यादा रहती है, नवाचार अपने आप अपना सकते हैं, क्योंकि जब स्वायत्तता ज्यादा होगी तो नवाचार तो होंगे ही, लोकप्रिय है, लचीलापन है। लेकिन कंपनी में दोष भी है, उत्तरदायित्व नहीं होता, मनमानी करते हैं कंपनी वाले, निगम वाले संतुलन की समस्या में है, कभी कभी गबन हो जाता है, घोटाला हो जाता है, मंत्री का हस्तक्षेप भी हो जाता है कभी कभी। और विभाग में क्या है, ये तो सरकार चलाती है ना, तो सरकार चलाएगी तो पद सोपान है, लाल फीता शाही है, लचीलापन नहीं देखने को मिलेगा, नवाचार आप कर ही नहीं सकते, स्वायत्तता कम होती है। ये तीनों में अंतर है, विभाग, निगम और कंपनी। और तीनों ही क्या है, लोक उद्यमों के या लोक उद्योगों के प्रकार हैं। प्रबंध का स्वरूप कैसा हो, विभाग है या निगम है या कंपनी है, इसके आधार पर ये तीनों प्रकार हैं। लोक उपक्रमों पर नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हमें समाजवादी समाज की स्थापना करती है करना है। जो समाजवादी समाज क्या कहता है कि समाज में समता होनी चाहिए, आर्थिक विषमता को दूर करना है। सरकारी नियंत्रण करने के लिए लोक उपक्रमों पर नियंत्रण की जरूरत है, राज्य के वित्तीय साधनों में वृद्धि करने के लिए जरूरत है, मूल्य पर नियंत्रण करने की जरूरत है, तथा एक हेल्थी कॉम्पिटिशन दोनों सारे उपक्रमों में अपनाया जाना चाहिए, और इकोनॉमिक प्लानिंग और नेशनल डेवलपमेंट के लिए लोक उपक्रमों पर नियंत्रण की आवश्यकता है। व्हाट इज एमओयू, एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, एक तो होती है गवर्नमेंट और एक होता है प्राइवेट। तो दोनों में एक अगर समझौता हो जाए, कोई भी चीज के लिए एक समझौता हो जाए, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, एमओयू हो गया, एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता ज्ञापन। अब ये क्यों होता है कि जैसे मान लो एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट, वो गवर्नमेंट का एक कोई प्रोजेक्ट तैयार करके देती है, मान लो सड़क बना के देती है उसने, तो जब वो सड़क बनाएगी तो सरकार क्या करेगी, इसको फुल फ्रीडम देगी, फुल फ्रीडम इस कंपनी वाले को फुल फ्रीडम देगी। बाद में ये सरकार को ये जो सड़क होगी, रोड होगी, ये हैंडओवर कर देगा, ये कंपनी हैंडओवर कर देगी। तो सड़क किसकी थी, सड़क बनाई किसने, कंपनी ने बनाई, प्राइवेट कंपनी ने। उस टाइम उसको बहुत ज्यादा फ्रीडम मिली तो इसने पैसा भी कमाया, तो ये तो हो गया इसके फ्रीडम का मामला। लेकिन सरकार को ट्रांसफर कर दी, वो उसका स्वामित्व सरकार को ट्रांसफर कर दिया कि ये काम ये मैंने किया है, तब इसको क्या मिला कि सरकारी चीज हो गई वापस से, लेकिन काम किसने किया, प्राइवेट ने। तो स्वायत्तता दी और जवाबदेही के साथ दी, तो स्वायत्तता और जवाबदेही दोनों को निश्चित करने के लिए सरकार तथा उद्योग के बीच समझौता करना, ये कहलाता है एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी कहा जाता है इंडिया में, पीपीपी। और ऐसे विशुद्ध रूप से अगर देखें तो इसको ठेका प्रथा कहा जाता है, किसी भी काम को ठेके पर देना। सरकार अगर किसी काम को दूसरे से करवा रही है तो उसको स्वायत्तता देगी, जवाबदेही भी होगी, क्योंकि सरकार है तो जवाबदेही तो डेफिनेटली होगी ही। भारतीय नौकरशाही की प्रवृत्ति, प्रकृति तथा नौकरशाही की समस्याएं। जो भारतीय नौकरशाही को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोक सेवा और नौकरशाही में देख लेते हैं अंतर। देखो, लोक सेवा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और नौकरशाही नैरो कॉन्सेप्ट है। नौकरशाही उस मानसिकता का नाम है जो लोक सेवा में पाई जाती है,
एक प्रकार से कुछ ऐसी विशेषताएं होती है, जैसे किसी काम को देरी से करना, किसी काम को बचने की कोशिश करना, ऐसी चीजें। एक मानसिकता है जो इंडियन पर्सपेक्टिव में उसको हम नौकरशाही कहते हैं, लेकिन नौकरशाही वास्तव में क्या है, कर्मचारियों का जो भी समूह है उसके लिए इस शब्द को इस्तेमाल किया जाता है, नौकरशाही को। तो जो भारतीय लोक सेवा है या भारतीय लोक सेवा में जो नौकरशाही की प्रवृत्ति है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी, की इंडियन ब्यूरोक्रेसी है क्या। लोक सेवा और नौकरशाही में अंतर होता है, लेकिन फिर भी नौकरशाही को कार्मिकों का समूह माना जाता है। तो ये ब्रिटिश विरासत है, इंडियन ब्यूरोक्रेसी है वो ब्रिटिश विरासत है। भारत एक विकासशील देश है और विकासशील देश की समस्याएं बहुत अलग होती है, इसलिए नौकरशाही का मॉडल यहाँ पर उपयुक्त नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी बहुत सारे कार्य अच्छे कर रही है, बहुत सारी उन्होंने समस्याओं को विकास प्रशासन के साथ जोड़ के देश की प्रगति में बहुत ज्यादा योगदान दिया है। लेकिन कुछ समस्याएं भी है नौकरशाही की, उनकी चर्चा कर लेते हैं कि जो नौकरशाही काम करती है उसको रोज समस्याओं से जूझना पड़ता है, तो प्रशासन हमारा समस्या ग्रस्त है। हमें नॉर्मल सा उदाहरण ले तो हम किसी भी आज तक हम ये पता नहीं चला पाए हैं कि किसी एक गांव में अगर हम 100 लोगों का उदाहरण लें और एक स्टडी करें तो उनमें 50 लोगों के नाम गलत होंगे। खेत में नाम अलग मिलेगा, आधार कार्ड में अलग मिलेगा, स्कूल में अलग मिलेगा, 8वीं की स्कूल में अलग मिलेगा, ग्रेजुएशन में अलग मिलेगा, 10वीं की मार्कशीट में अलग मिलेगा, एमए वाली में अलग मिलेगा, खेत में पता नहीं कुछ भी मिलेगा, और हर जगह चेंज। ये छोटी सी समस्या लगती है हमें, लेकिन ये वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है। क्या फर्क पड़ता है, हर व्यक्ति ये सोचता है क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी लिखो ना। फिर जब वो चेंज करवाता है तब उसको पता चलता है कि कितनी बड़ी समस्या है ये। राजनीतिक प्रभाव, नौकरशाही में राजनीतिक दखलअंदाजी बहुत ज्यादा है, जागरूकता की कमी है, कोई भी जनता की भागीदारी नहीं है गवर्नमेंट के किसी भी प्रोग्राम में, अपने आप कोई भागीदारी नहीं होगी, हमें बताना पड़ता है कि हमें वोट भी देना है, हमें बताना पड़ता है। जागरूकता की इतनी कमी है कि हमें बताना पड़ता है कि आज ही है, इस टाइम है वोट, जाओ देख कर आओ, तब जाके हम वोट देकर आते हैं। तो बहुत ज्यादा जागरूकता की कमी है, भ्रष्टाचार पाया जाता है ऑफिसेज में, लाल फीताशाही, प्रशासनिक सुधार सही ढंग से लागू नहीं हुए हैं, देश प्रेम का अभाव, तकनीकी रूप से सक्षम है हमारी नौकरशाही, और विश्व के सबसे बड़ी प्रशासनिक क्रिया है जो जनगणना है, चुनाव है, वैक्सीनेशन है, ये सारे काम करवाती है। मतलब विश्व के सबसे बड़े प्रशासनिक काम है वो इंडिया की ब्यूरोक्रेसी करवा रही है, इंडिया की नौकरशाही करवा रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रही है। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, अर्थ, प्रकार और महत्व। वर्गीकरण क्यों करते हैं हम, वर्गीकरण करते हैं ताकि हमारा काम इजीली हम पहचान सके। तो दुनिया में कर्मचारी या कार्मिक, देखिए जब भी लोग प्रशासन की भाषा लिखेंगे ना तो कभी भी पेपर में आदमी नहीं लिखेंगे, मनुष्य नहीं लिखेंगे, एक आदमी एक मनुष्य ऐसे शब्द नहीं लिखने हैं अपने को, हमें कर्मचारी या कार्मिक लिखना है। एक स्कूल कॉलेज अस्पताल नहीं लिखना, वहां पर संगठन लिखना होता है। ऐसे लिखेंगे कि एक बिल्डिंग में 2 आदमी है, ऐसे नहीं हो सकता, उसकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए एक संगठन में कर्मचारी है, तो ऐसे लिखना पड़ता है हमें। वर्गीकरण 2 प्रकार का होता है, स्थिति वर्गीकरण यानी रैंक क्लासिफिकेशन और पोजीशन क्लासिफिकेशन। पोजीशन क्लासिफिकेशन अमेरिका में लागू है, कनाडा में लागू है, ताइवान में है, जापान में है, फिजी में है, और इंडिया और पाकिस्तान ब्रिटेन में है रैंक क्लासिफिकेशन। जो ब्रिटेन था, पाकिस्तान तो आजादी के 1947 के बाद ही अस्तित्व में आया, पहले था ही नहीं, तो इसको तो हटा ही दो। तो ब्रिटेन भारत पे रूल करता था, तो ब्रिटेन और भारत में यही था रैंक क्लासिफिकेशन, आजकल पाकिस्तान में भी है, जर्मनी, फ्रांस, मलेशिया। इसमें काम का वर्गीकरण नहीं होता, कार्मिकों का वर्गीकरण होता है।
स्थिति वर्गीकरण को दर्जा वर्गीकरण भी कहते हैं, इंग्लिश में रैंक क्लासिफिकेशन। एक समान पद एक ही वर्ग में नहीं रखे जाते, गुण बहुत है इसमें, काम करने के अनेक अवसर है, सामान्य क्या यहाँ पर उसका वर्चस्व होता है, और अमेरिका में क्या होता है, विशेषज्ञों को वर्चस्व है। यहाँ पर कार्मिक के काम पर बल दिया जाता है, काम के आधार पर वर्गीकरण होता है, इसको कर्तव्य वर्गीकरण भी कहते हैं या पद वर्गीकरण पोजिशन क्लासिफिकेशन कहते हैं। एक समान पद एक ही वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं, समान काम के लिए समान वेतन मिलता है, दायित्वों का स्पष्ट बोध होता है, योग्यता पर बहुत ज्यादा अधिक बल है। अमेरिका, कनाडा, ताइवान, जापान, फिजी में योग्यता पर बहुत ज्यादा बल है। भर्ती, भर्ती अंग्रेजी में कहलाती है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट तो भर्ती का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति, वो सबसे पहले वित्त विभाग किसी भी जगह पर ये बताएगा कि इतने पद खाली हैं, फिर उन खाली पदों पर भर्ती शुरू की जाएगी। तो सबसे पहले विज्ञापन निकलेगा, फिर लोग फॉर्म भरेंगे, फिर फॉर्म की स्क्रीनिंग होगी, कौन परीक्षा दे सकता है, फिर परीक्षा होगी, परीक्षा देने के बाद उसमें कोई लोग पास होंगे, पास होने के बाद उनसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, डॉक्यूमेंट मांगने के बाद उसमें डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी, जांच में सही पाए जाने पर उनको बुलाया जाएगा, फिर उनका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट निकलने के बाद मेरिट बनेगी, मेरिट बनने के बाद आपको, मेरिट बनने के बाद आपको वहां पर बुलाया जाएगा, फिर नियुक्ति पत्र देंगे, नियुक्ति पत्र देने के बाद आप वहां जाओगे, वहां जाके आप वहां एक निश्चित डेट को आप अपना हेल्थ सर्टिफिकेट बना के ले जाओगे, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट वहां भी दिखाओगे, फिर आप वहां जाके संगठन ज्वाइन करोगे, तब और वहां संगठन ज्वाइन करने के साथ जिस दिन से आप वहां काम करना शुरू करेंगे, तब ये माना जाता है कि आपकी भर्ती हो गई। तो भर्ती ऐसा नहीं है कि भर्ती बस गैर भर्ती, भर्ती में इतने चरण होते हैं, 10-15 चरण, वो सब मिला के भर्ती कहलाते हैं। तो भर्ती मूल रूप से ये है, किसी विभाग में उम्मीदवारों को आकर्षित करना, यही भर्ती कहलाता है, लेकिन आकर्षित करने के चरण बहुत ज्यादा होते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सेंट्रल सर्विसेज, स्पेशलिस्ट सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज, लोकल सर्विसेज, इंडिया में ये सर्विसेज हैं, ये सेवाएं हैं। लोक सेवाओं में कार्मिकों के चयन की प्रक्रिया को भर्ती कहा जाता है। स्टोल नामक एक विचारक है, उन्होंने संपूर्ण लोक सेवाओं के ढांचे की आधारशिला कहा है इसको, क्योंकि भर्ती तो ढंग के योग्य व्यक्तियों की करनी चाहिए। भर्ती की अवधारणा दो प्रकार की होती है, एक सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक तो ये मानते हैं कि क्वालिफाइड लोग आ जाएं, नकारात्मक क्या मानते हैं, चाहे क्वालिफाइड लोग बाहर रह जाए लेकिन कोई बदमाश आदमी, कोई धूर्त आदमी अंदर नहीं आ जाए, चाहे योग्य उम्मीदवार कितने ही बाहर रह जाए लेकिन कोई धूर्त आदमी है ना, धूर्त आदमी अंदर नहीं आ जाए। उदाहरण जैसे स्क्रीनिंग करना, न्यूनतम अंक सीमा का होना, जैसे कोई कह दे कि नहीं 55% चाहिए आपको, तो इसका मूल मकसद यही है कि धूर्त आदमी को नहीं लेना है, चाहे एक योग्य उम्मीदवार बाहर रह जाओ भले। तो भारत में भर्ती नकारात्मक भर्ती है, भर्ती दो प्रकार की अवधारणा है, सकारात्मक और नकारात्मक। भर्ती के तरीके या भर्ती की पद्धति, बाहर से ओपन, आंतरिक। आंतरिक भर्ती को पदोन्नति भी कहते हैं, और एक होती है प्रतिनियुक्ति से। भर्ती के प्रकार अस्थायी प्रकार की भी होती है, स्थायी प्रकार की होती है, संविदा के आधार पर, और तदर्थ नियुक्तियां भी होती है। भर्ती किसी भी तरीके से की जाए उसमें गुण और दोष दोनों विद्यमान रहते हैं। प्रशिक्षण, किसी भी कर्मचारी को ज्ञान और कौशल में थोड़ा सा अपडेट करना, उसके ज्ञान और कौशल को बढ़ाना, ये एक प्रकार का शिक्षण है। प्रशिक्षण में क्या होता है, किसी न किसी कौशल को सीखा जाता है, कोई ना कोई काम आप व्यवहारिक रूप से सीखेंगे, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, आप जो भी काम करते हैं उस काम में आपके निखार आएगा, ये सिखाती है ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का महत्व क्या है, ट्रेनिंग से लोक सेवाओं का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। जिस व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जाती है उसका विकास होता है, नए नए ज्ञान से परिचय होता है। जैसे कंप्यूटर में कुछ नई चीज आ गई तो कार्मिक को ट्रेनिंग दी जानी जरूरी है, तो देश की गति बढ़ेगी, विकास की क्षमता का निर्माण होगा,
किसी भी संगठन की कार्य कुशलता में वृद्धि होगी, खुद के व्यक्तिगत कौशल का विकास होगा, तो ये दोनों के लिए फायदेमंद है, संगठन के लिए और कर्मचारी के लिए। प्रशिक्षण के प्रकार एक तो औपचारिक टाइप का होता है, एक अनौपचारिक टाइप का होता है। कुछ टाइप ऐसे भी है, अगर कम समय का है तो अल्पकालीन, ज्यादा समय का है तो दीर्घकालीन, एक विभागीय और एक केंद्रीय। विभाग का मतलब है जैसे मान लो रेलवे का है तो रेलवे का ही, रेलवे ही दे रही है तो विभागीय प्रशिक्षण हो गया। कौशल और आधारभूत प्रशिक्षण, प्रवेश पूर्व, कुछ कुछ ट्रेनिंग ऐसी होती है जो सेवा में प्रवेश से पहले दी जाती है, जैसे MBBS कर रहे हैं, इंटर्नशिप CA में, लॉ में, इसमें इंटर्नशिप होती है। प्रवेश के दौरान इंडक्शन ओरिएंटेशन होता है, पहली बार जो भर्ती होता है उसका ओरिएंटेशन इंडक्शन होता है। प्रवेश के बाद तो ये स्टडी लीव का, अध्ययन अवकाश का, सेवा काल के दौरान रिफ्रेशर है, बार बार अपने ज्ञान को रिफ्रेश किया जाता है। प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है जैसे लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी उत्तराखंड, यहाँ पर IAS IPS की शुरुआती ट्रेनिंग, IAS की ट्रेनिंग होती है यहाँ। IIPA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान, विभागीय प्रशिक्षण स्कूल शिमला, ये प्रशिक्षण संस्थान है इंडिया के प्रेस्टीजियस। पदोन्नति, अर्थ, प्रकार और महत्व है, लेटिन शब्द प्रेमोवेर से बना है जिसका मतलब होता है आगे बढ़ना। पदोन्नति यानी आंतरिक भर्ती भी कहते हैं, जैसे मान लो ये कोई संगठन है और आप बाहर से कर्मचारी नहीं ले रहे हो, आप अंदर से ही ले रहे हो। जैसे ये मान लो मैनेजर की पोस्ट है, चार मैनेजर चाहिए आपको, तो चार मैनेजर आपने 1, 2, 3 और 4 यहीं से बना दिए, इसको बोलते हैं आंतरिक भर्ती या अप्रत्यक्ष भर्ती या पदोन्नति। वर्तमान पद से उच्च पद पर नियुक्ति, जैसे कोई SI है, सब इंस्पेक्टर है, वो CI बन गया, कोई RS जूनियर स्केल में है वो RS बन गया सीनियर स्केल में, ये पदोन्नति है। संगठन की आंतरिक प्रक्रिया है, इसका महत्व, प्रोत्साहन मिलता है, मनोबल बढ़ता है, योग्यता को पुरस्कार है। संवर्ग परिवर्तन, RS से IS बन जाना, ये काडर चेंज हो गया, काडर चेंज। और वेतनमान पदोन्नति, जूनियर स्केल से सीनियर स्केल में आ जाना, जैसे 6,000 के ग्रेड पे से 7,000 में पहुंच जाना, दैट इज वेतनमान पदोन्नति। और काडर चेंज, RS से IS बन गए, तो ये हो गया आपका पदोन्नति। सिद्धांत क्या है पदोन्नति के? केवल सीनियरिटी आधारित, केवल मेरिट बेस्ड और मेरिट कम सीनियरिटी, मेरिट बेस्ड, सीनियरिटी बेस्ड और मेरिट एंड सीनियरिटी, ये तीन सिद्धांत है। तो भारत में अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग चलते हैं, ये तो कहीं भी नहीं चलता प्योर, तो ये तो कहीं भी नहीं चलता भारत में, तो योग्यता आधारित तो केवल है, कहीं भी नहीं चलता प्योर एकदम मेरिट बेस्ड पे, तो कहीं नहीं होता, लेकिन सीनियोरिटी बेस्ड होते हैं या मेरिट एंड सीनियोरिटी बेस्ड होते हैं। सेवा शर्तें, कुछ सेवा शर्तें होती है कि जो भी कार्मिक सेवा में आता है तो उसमें नियुक्ति से पहले उसको चिकित्सा प्रमाण पत्र दिखाओ, फिर उसके स्थायीकरण की है 2 साल का, 1 साल का, कुछ नियम होता है, फिर उसका लियन होता है कि अगर वो बीच में छोड़ के चला गया 3 साल की नौकरी करने के बाद, तो 2 साल तक वो वापस आ सकता है किसी दूसरी सेवा में अगर चला गया है तो। पदोन्नति के क्या प्रावधान है, कोई आए और उसको पदोन्नति के प्रावधान पता नहीं हो, बाद में कर्मचारी आके बोले कि नहीं मैं तो है ना, मैं तो 5 दिन में ही IAS बनूंगा, तो पहले लिखे होते हैं ये, सरकार के साथ एक समझौता, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कर्मचारी कोई भी आता है वो, उसमें सब कुछ फिक्स होता है, वरिष्ठता कैसे होगी, तेरी सीनियोरिटी कैसे बनेगी, तेरा ट्रांसफर राज्य हित में कभी भी किया जा सकता है। कोई आदमी आके इनकार कर दे एकदम, जैसे मान लो उसकी पोस्टिंग हो गई कहीं भी बीकानेर जयपुर, और बाद में एकदम चिपक के बैठ जाए कुर्सी के, बोल मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा गांव में, क्यों मुझे क्यों भेज रहे हो, स्थानांतरण नहीं करवाऊंगा मैं तो। तो ये सब पहले से फिक्स होता है कि ट्रांसफर भी हो सकता है, तुम्हें कितनी छुट्टियां मिलेगी, कब मिलेगी और कब नहीं मिलेगी, कोई कह दे मैं नहीं जाऊंगा मैं छुट्टी पर हूं तो कितनी मिलेगी,
छुट्टी पर नहीं जाने से क्या होता है, ज्यादा छुट्टियां लेने से क्या होता है, कितना वेतन मिलेगा, कितना भत्ता मिलेगा, सेवानिवृत्ति कब होगी। कोई आदमी बोल दे कि मैं तो 60 साल का हो गया लेकिन काम तो अभी भी कर सकता हूँ, इसलिए मैं सेवानिवृत्त नहीं होऊंगा। तो रूल्स होते हैं हर चीज के लिए, तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग अपने को सेवा शर्तें माननी होती है किसी भी कार्मिक को। इसी प्रकार से पेंशन के रूल भी होते हैं, आचरण नियम भी होते हैं कर्मचारियों के लिए। राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है, आप किसी भी पोस्ट पर बैठे हों आपकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा, इसकी सरकार की आलोचना पर प्रतिबंध है। आप सरकारी कार्मिक होकर सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, करते हैं कुछ लोग बच जाते हैं लेकिन कर नहीं सकते, प्रतिबंध है। संविधान और कानून का पालन करना होगा, उच्च अधिकारियों का सम्मान करना होगा, ईमानदारी रखनी होगी, कर्तव्य निष्ठा रखनी होगी, गिफ्ट नहीं ले सकते, दूसरा रोजगार नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है 2 बज गए ऑफिस बंद, घर जाके दुकान खोल के बैठ गया, रात को 12 बजे तक काम कर रहा है, दूसरे दिन सुबह ऑफिस आ गया, घर जाके बैठ गया 2 बजे, दूसरा रोजगार नहीं। प्रतिबंध तो है, प्रतिबंध है, कार्यवाही नहीं होती। बस गोपनीयता रखनी होगी, कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट है उसकी गोपनीयता रखनी होगी, बिना बिना काम के ऐसे मतलब दस्तावेज को दिखा नहीं सकते, समय की पाबंदी। दूसरे विवाह पर प्रतिबंध है, मतलब एक जीवित पत्नी या पति के होने पर दूसरे विवाह पर प्रतिबंध है। समाचार पत्रों टीवी पर बिना सरकार की अनुमति के वक्तव्य नहीं दे सकते आप। आपकी हाँ, अगर आप कलाकार हैं, अगर आप कुछ गायक हैं, कुछ आप में कला है, वो बात अलग है, लेकिन आप बिना सरकार की अनुमति के वक्तव्य नहीं। अचल संपत्ति की सूचना देनी होगी आपको हर साल। तो ये कुछ आचार संहिता है, आचरण के नियम है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है। आचार संहिता में भी नियम बने हुए हैं, एक 1954 का नियम है, एक 1955 का नियम है, एक 1956 का नियम है। ये अखिल भारतीय सेवा वाला 54 को है, केंद्रीय सिविल सेवा का 55 को है, और रेलवे सेवा का 56 को है। 54, 55, 56 अखिल भारतीय सेवा, सिविल सेवा, केंद्रीय सिविल सेवा, रेलवे सेवा, आचरण नियम। सामान्यज्ञ विशेषज्ञ विवाद, इसका उदाहरण देख लो। सामान्यज्ञ होता है कलेक्टर, और विशेषज्ञ होते हैं डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स या और कोई। ये इसके उदाहरण देख लो। काम, ये मुख्यतः पोस्ट कॉर्प का काम करते हैं, इनको सारे काम थोड़े थोड़े आते हैं, सारे काम थोड़े थोड़े आते हैं। ये नॉर्मली एकदम एकदम से बीए पास होते हैं, बीए पास, बीएससी पास, मतलब ग्रेजुएशन, कोई भी स्नातक। बस इनका कार्य क्षेत्र है, विस्तृत है। आज रेलवे में है, कल आपको इंजीनियरिंग में लगा दिया, परसों आपको मेडिकल में लगा दिया, फिर आपको एजुकेशन में लगा दिया, फिर आपको बिजली विभाग में लगा दिया, फिर आप कहीं में लगा दो, इनको सब डिपार्टमेंट में घूमते रहते हैं, इसलिए इनको सामान्य के कहा जाता है। स्टेटस बहुत हाई होता है इनका, समाज में प्रस्थिति इनकी उच्च स्तरीय है, अधिक वेतन मिलता है, मंत्रियों को नीति और विधि निर्माण में सहायता करते हैं, सचिवालय व्यवस्था के अंग है, उदाहरण के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी। अब कुछ विशेषज्ञ होते हैं जो जिनमें विशेष योग्यता होती है, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई सर्जन है, कोई हड्डी का है, कोई और है, विशेष प्रकार की तकनीकी शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं, तकनीकी प्रकृति है। विशेषज्ञों का दर्जा कम होता है सामान्यज्ञों की तुलना में, वेतनमान कम होता है, मुख्य काम होता है वो नीति काम का क्रियान्वयन करना होता है, वैज्ञानिक, चिकित्सक, इंजीनियर, लेक्चरर्स, लॉयर्स, ये सारे विशेषज्ञ में आते हैं। इसका समाधान ये है कि इनका इनके लिए पृथक पद सोपान अपनाया जाए, समांतर अपनाया जाए, संयुक्त अपनाया जाए, या एक रूप पद सोपान अपनाया जाए। तो पाकिस्तान ने 1973 में एक रूप नागरिक सेवा गठित की गई थी, भारत में अब तक इसको कोई प्रयास इसके बारे में नहीं किया गया है। लोक प्रशासन पर नियंत्रण 3 प्रकार का होता है, विधायी नियंत्रण यानी संसदीय नियंत्रण, कार्यपालिका नियंत्रण और न्यायपालिका नियंत्रण।
यानी लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण किस प्रकार होता है? संसदीय प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रण, बजट पर चर्चा करके, कानून बनाकर, कानून में संशोधन, कानून को निरस्त करके लोक प्रशासन पर नियंत्रण होता है। चर्चा में कई प्रकार की चर्चा होती है, आधे घंटे की चर्चा, अल्पकालिक चर्चा, अल्पकालीन दीर्घकालीन चर्चा, प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से लोक प्रशासन पर नियंत्रण, विधेयकों पर बहस करके लोक प्रशासन पर नियंत्रण, संसदीय समितियों द्वारा लोक प्रशासन पर नियंत्रण, जिसमें स्थायी भी होती है और अस्थायी भी होती है। अस्थायी तो किसी विशेष मुद्दे पर गठित होती है, जबकि स्थायी होती है उसमें कुछ वित्तीय होती है। वित्तीय में तीन प्रकार की होती है, एक होती है पीएसी, एक होती है ईसी, एक होती है कोपू। आश्वासन समिति, नियम समिति, कार्य मंत्रणा समिति, ये संसदीय समितियां हैं। तो ये लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के कुछ बिंदु हैं। लोक प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण के हैं कि इसमें राजनीतिक निर्देशन है, राजनीतिक कार्यपालिका के अंडर में लोक प्रशासन को काम करना होता है। किसी भी कार्मिक है उसका प्रबंधन, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल, जो भी प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग, और उसका निष्कासन, कभी भी राजनीतिक कार्यपालिका किसी भी सरकारी अफसर को नियुक्ति या निष्कासित कर सकती है। कार्यकारी विधि निर्माण, प्रदत्त विधि दी जाती है, अध्यादेश की शक्ति, कभी भी अध्यादेश लाया जा सकता है राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा। बजट प्रणाली, बजट बनाने के माध्यम से लोक सेवा की आचार संहिता बनाने के माध्यम से कर्मचारी एजेंसी और पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, लोकपाल, सीबीआई या सीवीसी के माध्यम से प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण रखा जाता है। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का क्षेत्र की जुडिशरी कब कब प्रशासन पर नियंत्रण कर सकती है? जैसे अधिकार क्षेत्र का अभाव हो, अगर किसी का अधिकार क्षेत्र इतना ही है, उसने उस अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके काम कर लिया। जैसे मान लो, उदाहरण है, किताबों में नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे कोई मान लो कलेक्टर है एक जिले का, एक ए जिले का कलेक्टर है, तो वो बी का तो नहीं है, लेकिन बी के पट्टे जारी कर रहा है। मतलब ए जिले का तहसीलदार बी जिले के पट्टे जारी कर रहा है, आता नहीं है बीकानेर में, लेकिन फिर भी बीकानेर के, तो तुम्हारे पास अधिकार ही नहीं है, उसका क्या करेंगे हम? प्राधिकार की अति हो गई, कानूनी त्रुटि हो जाए, कोई कानून की गलत व्याख्या हो जाए, तो वो न्यायिक नियंत्रण उसके माध्यम से रखा जा सकता है। किसी प्रकार का तथ्य अन्वेषण, अगर तथ्यों की खोज में कोई गलती हो गई है, तो प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण प्रभावी हो जाता है। प्राधिकार का दुरुपयोग कर दिया कोई, दुरुपयोग जानबूझकर, तब भी न्यायिक नियंत्रण होता है। किसी प्रक्रिया की त्रुटि हो गई, निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, तब भी प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण हो जाता है। न्यायिक नियंत्रण के साधन क्या है प्रशासन पर? सरकार के विरुद्ध मुकदमा, सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध दावे, सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी वाद लाए जा सकते हैं, मुकदमे होते हैं, कानूनी अपील, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, संवैधानिक उपचार प्राप्त है, जिसमें 6 रिटे हैं, एक इंडिया में नहीं है, भारत के संविधान में 5 का वर्णन, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण, निषेध, निषेधाज्ञा का संविधान में उल्लेख नहीं है। ये न्यायिक नियंत्रण के साधन हैं, टूल्स हैं, उपकरण हैं। लोकपाल, लोकपाल भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है, जिसको ओम्बुड्समैन कहा जाता है स्वीडन में, अन्य देशों में ओम्बुड्समैन, जिसका मतलब होता है प्रतिनिधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये संस्कृत शब्द लोक और पाला से बना है। भारत में यह शब्द है वो एलएम सिंघवी ने दिया है, ये जोधपुर के थे एलएम सिंघवी। स्वीडन में इस संस्था का सबसे पहले उद्भव हुआ है 1809 में, फिनलैंड में 19 में, और ब्रिटेन में 1967 में। ब्रिटेन और न्यूजीलैंड, यहां पर इस संस्था का नाम संसदीय आयुक्त है, लोकपाल को संसदीय आयुक्त कहा जाता है। भारत में जो लोकपाल है वर्तमान में, उसका चार्ज है न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती के पास, और एक जो प्रथम प्रथम लोकपाल हुए भारत में, उनका नाम था पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष।
ये 2019 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी और इसका जो अधिनियम है वो है 2013 का, अधिनियम 2013 का है लोकपाल का, नागरिक समाज और मीडिया, नागरिक समाज और मीडिया राज्य और परिवार के बीच कड़ी का काम करता है सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज। इसमें कुछ राजनीतिक समूह हो सकते हैं, धार्मिक समूह हो सकते हैं, सामुदायिक समूह भी हो सकते हैं। इसकी कुछ विशेषता ये होती है, इसमें कोई भी व्यक्ति है वो स्वैच्छिक रूप से खुद की इच्छा से सहभागिता करता है। राज्य की एकदम अलग यूनिट है ये, राज्य से अलग है ये, स्वायत्त तो होता है पर ये राज्य के प्राधिकाराधीन है, राज्य के प्राधिकार के अंतर्गत ही काम करता है ये नैतिक निदेशक होता है, यानी नैतिक रूप से लोगों को अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करता है, जनमत का निर्माण करता है, पब्लिक ओपिनियन मेकिंग, और ये जो तानाशाही या निरंकुशवाद होता है उसका विरोध करता है। ये प्राय गैर राज्यीय संस्थाओं से संबंधित होता है। कुछ निर्माणकारी घटक ये हैं, महिला, श्रमिक, किसान, विद्यार्थी, युवा, गैर सरकारी संगठन, समुदाय आधारित। कुछ उदाहरण हैं जैसे चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, अन्ना हजारे आंदोलन, किसान आंदोलन, ये नागरिक समाज आंदोलन के उदाहरण हैं। मीडिया, मीडिया की क्या भूमिका होती है प्रशासन में, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है जनता की आवाज। मीडियम शब्द से ये बना है, मीडिया का अर्थ टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, ऑडियो, वीडियो, मूवी, मैगजीन, सोशल मीडिया, ये सब कुछ हो सकता है जो मे बी रिटन, मे बी वर्बल, मे बी विजिबल, दृश्य हो सकता है, लिखित हो सकता है, शाब्दिक हो सकता है, कोई भी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन दैट इज रिटन, दैट इज वर्बल, दैट इज विजिबल। मीडिया के प्रकार क्या है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रसारण ये मीडिया, इंटरनेट मीडिया, और सुशासन के लिए मीडिया का प्रयास या योगदान, जिसमें जवाबदेहिता, पारदर्शिता, ये सारे बिंदु आपके आते हैं। बजट का अर्थ प्रक्रिया निर्माण स्वीकृति क्रियान्वयन। बजट, बजट शब्द का भारत के संविधान में उल्लेख नहीं है, इसको वार्षिक आय व्यय या वार्षिक व्यय वितरण, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में इसका वर्णन है, वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में। इसको, इसका लोकप्रिय नाम बजट है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। इसके तीन चरण हैं बजट के, बजट तैयार करना, बजट को स्वीकृत करवाना, बजट को लागू करवाना, बजट का निर्माण करना, बजट को स्वीकृति दिलवाना, बजट को लागू करना। बजट निर्माण में प्रोसीजर आगे दी हुई है, बजट प्रक्रिया में बजट निर्माण है, बजट अनुमोदन है, बजट का क्रियान्वयन है। बजट निर्माण में बजट के अनुमान तैयार करवाए जाते हैं सितंबर अक्टूबर के महीने में, फिर उन अनुमानों को एकीकृत किया जाता है और फिर मंत्री परिषद द्वारा स्वीकृति मिलती है। जब निर्माण हो जाता है तब बजट की अनुमोदन के लिए, स्वीकृति के लिए बजट को संसद में प्रस्तुत किया जाता है, फिर उस पर आम चर्चा होती है और जितनी भी मांगे होती है उन पर मतदान होता है। लेखानुदान 2 माह के लिए पहले ले लिया जाता है, विनियोग विधेयक पारित होता है, फिर वित्त विधेयक पारित होता है। इतना सब कुछ होने के बाद, संसद द्वारा बजट पारित होने के बाद इसको लागू करने का काम, वित्तीय साधनों का एकत्रण किया जाता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एक बॉडी है जो डायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन करती है, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस का जैसे जीएसटी है इसका कलेक्शन ये करते हैं। फिर जितने भी कोष, जितना एकत्र हुआ है टैक्स, उनका संरक्षण किया जाता है, फिर वितरण किया जाता है, ट्रेजरी में रखा जाता है, फिर हर ऑफिस में ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर होते हैं, डीडीओ जिनको बोलते हैं, वो उनको पैसे को निकालने के लिए सक्षम होते हैं, वो निकालते हैं, फिर वो बांटते हैं, फिर वो जैसे ही निकालेंगे तो कितना निकाला, कब निकाला, क्या यूज हुआ उसका, इसके लिए अकाउंटिंग ऑडिट की जाती है एवरी ऑफिस द्वारा, और उसके पश्चात कैग द्वारा इसकी लास्ट में फाइनल ऑडिट होती है। तो ये बजट की प्रोसेस है। बजट की प्रोसेस में तीन चीजें होती है, बजट बनाना, बजट को स्वीकृत करवाना और बजट का क्रियान्वयन करवाना। वित्त पर,
विधायी या संसदीय नियंत्रण के उपकरण है, जिसमें पहला उपकरण है बजट, दूसरा है कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तीसरा है लोक लेखा समिति यानी पीएसी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और ये है एस्टीमेट्स कमेटी, अनुमान समिति या प्राकलन समिति। ये संसदीय समितियां होती है, वो स्थायी भी होती है अस्थायी भी होती है। स्थायी समितियां पहले से फिक्स होती है, अस्थायी समितियां किसी विशेष उद्देश्य के लिए किसी विशेष मामले की जांच हेतु बनाई जाती है। जो वित्तीय समितियां हैं वो तीन प्रकार की है, इन दो को तो कहते हैं ट्विन सिस्टर्स, दो जुड़वा बहनें, पीएसी ईसी। पी का मतलब पब्लिक, ए का मतलब अकाउंट, सी का मतलब कमेटी, ई मतलब एस्टीमेट, सी मतलब कमेटी। पीएसी और ईसी, एक होती है कोपू, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, लोक उपक्रमों पर समिति। देखो ये भी स्थाई, ये भी स्थाई, ये भी स्थाई। जो अनुमान समिति है ना ईसी, उसमें 30 सदस्य होते हैं, बाकी दोनों में 22 होते हैं। यानी दो बहनों में एक ईसी के पास 30 होते हैं और सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। जिसमें 22 होंगे उसमें 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, जिसमें 30 होंगे उसमें सारे के सारे लोकसभा से होंगे। ये 1964 में बनी, ये 1961 में गठित, ये 1950 में गठित। ये इसका पीएसी है ना, पीएसी का अध्यक्ष विपक्षी दल से होता है, बाकी दोनों का सत्ताधारी दल से। तो ये बेसिक चीज है, इसको प्राकलन समिति और पीएससी को लोक लेखा समिति कहते हैं हिंदी में, और कोपू को लोक उपक्रम समिति कहते हैं। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग, आमतौर पर इसका कॉमन नेम है कैग। काम क्या है? ऑडिट का काम है, अंकेक्षण या लेखा परीक्षण, रिपोर्टिंग का काम है, समन्वय का काम है, वित्तीय अनियमितताओं पर अंकुश लगाने का, विविध कार्य, लेख प्रमाणीकरण, सुझाव। आर्टिकल इंपोर्टेंट है 148 से 151 तक। कैग का प्रावधान 148 में, 151 में रिपोर्ट है। वर्तमान में जो कैग है भारत के वो है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। नीति आयोग, नीति आयोग के काम सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, मॉनिटरिंग करना, किसी भी प्रोग्राम की इवेल्युएट करना। पूरे देश में सबसे बड़ा थिंक टैंक अगर कोई है तो वो नीति आयोग है। थिंक टैंक है, रिसोर्स सेंटर है, ज्ञान केंद्र है, नीति बनाने का काम और कार्यक्रम की रूपरेखा तय करना ये नीति आयोग के कार्य है। स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी योजना आयोग के स्थान पर। जिस प्रकार योजना आयोग को एक मंत्रिमंडल प्रस्ताव द्वारा स्थापित किया गया था, उसी प्रकार नीति आयोग को भी एक कैबिनेट के प्रस्ताव या मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा स्थापित किया गया था। नीति आयोग के चेयरमैन तो होते हैं प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन सिंह बेरी हैं, वर्तमान में सुमन सिंह बेरी, जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, और चेयरमैन यानी अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं पदेन रूप से। तो वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के चेयरमैन है और उपाध्यक्ष जो हैं वो हैं सुमन सिंह बेरी। राष्ट्रीय विकास परिषद स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं, सारे कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी संघीय क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग या नीति आयोग के सदस्य इसके सदस्य होते हैं। और इसके उद्देश्य क्या होते हैं? परामर्श के, इकोनॉमिक प्लानिंग और लॉन्ग टाइम अगर योजना बनानी है, क्षमता निर्माण, नवाचार, थिंक टैंक, समन्वय। वैसे नीति आयोग के गठन के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद की जो लोकप्रियता है वो काफी कम हो गई है, लेकिन उम्मीद ये है कि वापस से रिवाइव वैसे ही होगी। भारत में प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सुधार हमेशा तीन चीजों में किए जाते हैं। एक स्ट्रक्चर में किया जाता है, एक प्रोसीजर में किया जाता है, एक बिहेवियर में किया जाता है। संरचना बदल दो कहीं की, प्रक्रिया या नियम बदल दो या व्यवहार बदल दो, बस तीन ही जगह प्रशासनिक सुधार होंगे। प्रशासन की कार्यकुशलता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जरूरी तीन जगह प्रस्ताव होते हैं। प्रशासनिक सुधार क्यों चाहिए? क्योंकि ये समयानुकूल होते हैं, कार्यकुशलता बढ़ाते हैं, तकनीकी में बदलाव आते रहते हैं, इसलिए प्रशासन की व्यावहारिकता बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। राजनीतिक सुधारों के साथ साथ आवश्यक जन शिकायतों का समाधान भी प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से हो सकता है। स्वतंत्रता से पहले क्या प्रशासनिक सुधार हुए हैं? मैकाले समिति ने प्रतियोगी परीक्षाओं पर मैकाली समिति गठित की गई थी।
ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से लोक सेवा आयोग एचईसन, लोक सेवाओं का वर्गीकरण तथा भारतीयों की भागीदारी पर, फ्रेजर आयोग, पुलिस आयोग, ये इंपॉर्टेंट है, विकेंद्रीकरण पर शाही आयोग, एकवर्त समिति, रेलवे बोर्ड में सुधार के लिए गठित की गई थी, मुड्डीमैन समिति या लेखा समिति, लेखा एवं अंकेक्षण पर, स्वतंत्रता के बाद प्रशासनिक सुधार, 1954 में आईआईपीए की स्थापना हुई थी, पोल एच एप्पलबी की रिपोर्ट पर, 1954 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना हुई थी, राज्यों का पुनर्गठन हुआ था 1956 में, बी आर मेहता समिति की रिपोर्ट पर पंचायती राज शुरू हुआ था, भारत में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया था 1966 में और दूसरा बनाया गया था 2005-06 में। प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष पहले के थे मोरारजी देसाई, और दूसरा प्रशासनिक सुधार विच इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2005 में गठित, 2009 में ये, 1 मिनट, आवाज तो आ रही है सब लोगों तक? यस, ओके। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, सेकेंड एआरसी बोलते हैं। अगर कोई टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो यही है, लेकिन बड़ी बड़ी परीक्षाओं में अगर कोई भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो वो यही है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। इसके अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली। दोनों ही प्रशासनिक सुधार आयोग है, उनमें सबसे पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बाद में चेंज हुए थे, ये ध्यान रखना है। उसके बाद इन्होंने इन्होंने पद छोड़ दिया था, वी रामचंद्रन बाद में इसके अध्यक्ष बने थे। वीरप्पा मोइली जो थे वो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष रहे। सदस्य सचिव विनीता राय, 2009 को कार्यकाल समाप्त हो गया था। 15 रिपोर्ट सौंपी थी सेकेंड एआरसी ने, 15 रिपोर्ट, उसमें से चार बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू की चार बहुत इंपॉर्टेंट है 15 रिपोर्ट में। पहली रिपोर्ट 2006 में आई थी, अंतिम रिपोर्ट 2009 में आई थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये चार रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। पहली थी सूचना का अधिकार, दूसरी मानव संपदा का व्यापक विस्तार, तीसरी क्राइसिस मैनेजमेंट, संकट प्रबंधन, और चौथी थी शासन में नैतिकता। फिर ये हर प्रकार की रिपोर्ट दी हुई है, 15 रिपोर्ट है टोटल। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रशासनिक सुधार।